हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है एबीसीडी पार्ट टू तो एबीसीडी पार्ट टू फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है साथ ही मैं इस फिल्म से जुड़े जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो बातें वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं ए बी सी डी टू जिसका फुल फॉर्म है एनी बड़ी कैन डांस पार्ट टू ये ए बी सी डी पार्ट वन का ऑफिशियल सिक्वल है दो हजार तेरह में पहला पार्ट बना हुआ था लेकिन एक स्टैंड अलोन सिक्वल है स्टैंड अलोन सिक्वल का मतलब कि जो वाइब है जो किरदार है कुछ आपको उसी टाइप के इस फिल्म में देखने को मिलेंगे लेकिन जो कहानी है वो पूरी तरह से एक अलग और डिफरेंट नज़र आएगी पहले पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा ए बी सी डी पार्ट टू डिज्नी के द्वारा बनाई गई थी जिसको डिजनी से ए बी सी डी टू भी कहा जाता है ये एक 2015 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक डांस ड्रामा फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था रेमो डिसोजा ने फिल्म के जितने भी डांस सीक्वेंस थे उसको भी रेमो डिसोजा के द्वारा ही कोरियोग्राफ करवाया गया था वो एक कोरियोग्राफर डांसर है जो जिन्होंने इस फिल्म में वो दोनों चीज़ें किए हुई थी डायलॉग्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे लिरिक्स भी मयूरपुरी के ही थे स्क्रीन प्ले रेमो डिसोजा और तुषार हिरनंदानी ने लिखा हुआ था सिद्धार्थ रोई कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सुरेश और वेनम जो द फिक्शनल फिक्टियस क्रू के मेम्बर है उनकी जो जर्नी थी लाइव जर्नी थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ था स्टोरी रेमो डिसोजा ने ही क्रिएट किए हुई थी सिद्धार्थ रॉय कपूर ने अपने वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया था यूटी मोशन पिक्चर्स के द्वारा उन्होंने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म का बजट करीबन 50 करोड़ था तो एक अच्छा खासा बजट था जिसका रन टाइम फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का सेंसर करवाया हुआ था यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे चौंतीस मिनट की फिल्म जिसको मनन सागर के पास एडिट करवाया सिनेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है इसके अलावा म्यूज़िक में सचिन जिगर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा इस फिल्म के गानों को रिलीज़ करवाया गया था उन्होंने राइट्स खरीदे हुए थे सचिन जिगर ने करीबन दस गानों को कंपोज किया हुआ था जिसकी लेंथ थी तिरतालीस मिनट तैंतीस सेकंड और उन गानों को 2014-15 में ही क्रिएट किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के गानों के ऊपर के उसमें टोटल दस गाने थे पहला गाना था बेजुबान फिर से उसको लिखा हुआ था मयूरपुरी ने गाया हुआ था विशाल ददलानी अनुष्का मंचला और माधव कृष्णा ने सुन साथिया गाने के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर प्रिया सरैया और दिव्या कुमार थी वहीं पे चुनर करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर अरिजीत सिंह थे क्रेसेंडो थे और वोकल्स थे वो दिव्या कुमार ने दिए हुए थे हैप्पी बर्थडे वाला जो गाना था वो डी सोल्जर और मयूरपुरी ने लिखा हुआ था वरुण धवन सचिन जिगर और डी सोल्जर ने गाया हुआ था इफ़ यू होल्ड माई हैंड करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर बेनी दयाल थे एक्सटेंडेड कल्ट जो वोकल्स थे वो शेफ अली अलवेस और अनुष्का मंचन दाके थे वहीं पे हे गनरिया करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे दिव्या कुमार ने गाया हुआ था बेकिंग वोकल्स थे वो थे राजीव सुंदर सम और निखिल कसर के र, आ, कासरे करके इसके अलावा हैप्पी अवर करके जो गाना था उसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था मिका सिंह और ए पॉजिटिव ढिलो ने गाया हुआ था नाच मेरी जान करके जो गाना था उसको मयूरपुरी रिमी न्यूक ने लिखा हुआ था बैनिदयाल सलम अली खोलगड़े सिद्धांत बसरूर और रिमी नाइक ने गाया हुआ था टेटू वाला गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सेफाली अलवेस ने गाया हुआ था वंदे मातरम जो दसवा आखिरी गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी बादशाह ने लिखे हुए थे दलेर मेहंदी बादशाह तनीसा सांगवी दिव्य कुमार ने उनको गाया हुआ था टोटल दस गाने जिसको आप फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो तो ये सभी गाने को क्रिएट किया गया था वहीं पे एक रिप्राइज वर्जन था बेजुबान फिर से उसको भी रिलीज करवाया गया था और वो सदा कपूर नील शर्मा ने गाया हुआ था विथ इंग्लिश रेप जो शर्मा के द्वारा लिखे गए थे हिंदी लिरिक्स थे वो पूरी के पास से बारो किए गए थे

जो उन्होंने प्ले किया हुआ था इस फिल्म में लीड रोल में दे प्रभु देवा के साथ आपको देखने को मिलेंगे वरुण धवन जो इस फिल्म में काफ़ी एक डांसर का रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ पे उनके जो किरदार का नाम था वो नाम था सुरेश मुकुंद यानी कि सुरु श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में विनीता शर्मा का रोल प्ले किया है उर्फ विनी का

पवन राव को पवन का रोल दिया गया था दीपक सालवे ने इस फिल्म में दीपक का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको संदीप साबले भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में सांडी का रोल प्ले किया हुआ है सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल कसारे ने निखिल का रोल प्ले किया हुआ है प्राची शाह को पद्मश्री दुर्गा देवी का रोल दिया गया था जो सूर की डिस मदर थी एलिना कुमार ने इस फिल्म में मयूरी का रोल प्ले किया हुआ है सुमित पेंदम ने सुमित का रोल प्ले किया हुआ है जिनीत रात को मानव मनु कश्यप का रोल दिया गया था जो विष्णु का बेटा था पूजा बत्रा ने इस फिल्म में स्पेशल अपीरेंस दिया हुआ है पूजा कोहली के रोल में शशांक खेता ने इस फिल्म में एक फ्रेंडली अपीरेंस दिया हुआ है लोकल जज के तौर पर बेंगलुरु क्वालिफाइज मैच में वहीं पर इस फिल्म में कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू भी देखने को मिलेंगे एक अपीरेंस uh, के तौर पे तो इस तरह से इस फिल्म में प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर फिल्मिंग की शुरुआत करते तो एबीसीडी बी टू को मुंबई बेंगलोर लास वेगस में शूट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को मार्च 2015 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था यंग टैलेंटेड फ्रेंच ड्यू लेस यानी कि लोरेंट और लेरी बॉर्गेज के द्वारा इस फिल्म में जो स्पेशल फ्री स्टाइल डांस था एक सॉन्ग में टेटू सॉन्ग में उसके लिए उनको अप्रोच किया हुआ था उस डांस स्टाइल में एक गाना कोरियो करने के लिए इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में करीबन इस फिल्म के साथ अपना एक अच्छा खासा एक डांस परफॉर्मेंस दिखाया हुआ था उनकी और वरुण धवन की केमिस्ट्री भी फिल्म में काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म को यूटीवी मोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज़ करवाया हुआ था और डिजनी सब्सिडी रे उनके द्वारा 19 जून 2015 को इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तब इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जिस दिन फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम इस फिल्म ने करीबन छह हज़ार सात सौ वोट हासिल किए जिसमें चौवन पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन बॉक्स ऑफिस पे करीबन चौदह करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चौदह करोड़ चौवन लाख का संडे के दिन सत्रह करोड़ इक्यान लाख का नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने छियालीस करोड़ पैंतीस लाख का पहला वीकेंड दस किया वहीं पे इस फिल्म ने मंडे के दिन आठ करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ सतहत्तर लाख का वेनसडे के दिन पाँच करोड़ अड़सठ अच्छा लाख का नेट कलेक्शन किया गुरुवार के दिन इस फिल्म ने इंडिया से चार करोड़ तिरानवे लाख का नेट कलेक्शन किया इसके साथ पहला वीक फिल्म का करीबन इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का निकल के आया उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया उसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करीबन पच्चीस से तीस दिन तक चली हुई थी जहाँ पे सेकेंड वीक के पहले सेकंड फ्राइडे के वक्त इस फिल्म ने तीन करोड़ इकहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे से के दिन पाँच करोड़ सतहत्तर लाख का सेकंड संडे के दिन फिल्म ने सात करोड़ चालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इकतालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड ट्यूसडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ दो लाख का कलेक्शन किया सेकंड वेनेसडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया सेकंड थर्सडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया वहीं पर थर्ड फ्राइडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ एक लाख का कलेक्शन किया थर्ड सैटरडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ तिरसठ लाख का और थर्ड संडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ तेईस लाख का किया कलेक्शन किया डे नंबर एटीन के ऊपर फिल्म ने सिक्सटी नाइन लेख का कलेक्शन किया डे नंबर नाइनटीन के ऊपर फिल्म ने पैंसठ लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर फिल्म ने इकसठ लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर फिल्म ने फिफ्टी लेक्स का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर इस फिल्म ने बत्तीस लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी थ्री के ऊपर तिरपन लाख का कलेक्शन किया और डे नंबर चौबीस पे इस फिल्म ने सत्तर लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में इकहत्तर लाख अठहत्तर का इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे वीक में पच्चीस करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे वीक में सात करोड़ चालीस लाख का नेट कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पा काफी बेहतरीन वे में इंडिया से सौ करोड़ का बेंच नेट कलेक्शन में हासिल किया जहाँ पे इंडिया से इस फिल्म ने 105 करोड़ चौहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे जो ग्रोस कलेक्शन था वो था 146 करोड़ छियासी लाख का और सिस में इस फिल्म ने 14 करोड़ तिरसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म 161 करोड़ उन पचास, पचास लाख का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करने में कामयाब रही थी तो इस तरह से इस फिल्म ने पचास करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक सर करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लिया हुआ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जब ओ पे भी प्रीमियर करवाया गया सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन व्यूअरशिप फिल्म ने हासिल की हुई थी इस फिल्म के जो ओ टी राइट्स है वो खरीदे हुए नेटफ्लिक्स और सोनी लेव दोनों ने मिलकर यानी कि टाइप राइट्स कह सकते हैं वैसे प्रॉपर राइट्स पहले नेटफ्लिक्स ही खरीदे हुए थे लेकिन जो सैटेलाइट राइट्स थे वो सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने शायद ओ के राइट्स उनके साथ टाइप करते हुए लिए होंगे तो इस वजह से ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको ओ टी के ऊपर देखनी है तो नेटफ्लिक्स और सोनी लिव दोनों ओ टी टी के ऊपर ये फिल्म देखने को मिलेगी जहाँ पे ए बी सी डी टू नाम के साथ इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इंजॉय कर पाओगे वहीं पे सेटेलाइट चैनल सोनी मैक्स के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में ए बी सी डी टू यानी कि एनी बडी कैन डांस पार्ट टू नाम के साथ आप बिल्कुल में प्रीमियर होता हुआ देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एबीसीडी टू फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और सोनी दोनों ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विध हिंदी वर्जन में इंजॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट सोनी मैक्स सोनी मैक्स एच के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास इसका मतलब इस फिल्म को आप ए बी सी डी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से ए बी सी डी टू फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे ए बी सी डी टू जिसका फुल फॉर्म है एनी बड़ी कैन डांस पार्ट टू ये ए बी सी डी पार्ट वन का ऑफिशियल सिक्वल है दो हजार तेरह में पहला पार्ट बना हुआ था लेकिन ये एक स्टैंड अलोन सिक्वल है स्टैंड अलोन सिक्वल का मतलब कि जो वाइब है जो किरदार है कुछ आपको उसी टाइप के इस फिल्म में देखने को मिलेंगे लेकिन जो कहानी है वो पूरी तरह से एक अलग और डिफरेंट नज़र आएगी पहले पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा ए बी सी डी पार्ट टू डिज्नी के द्वारा बनाई गई थी जिसको डिजनी ए बी सी डी टू भी कहा जाता है ये एक 2015 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक डांस ड्रामा फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था रेमो डिसोजा ने फिल्म के जितने भी डांस सिक्वेंस थे उसको भी रेमो डिसोजा के द्वारा ही कोरियोग्राफ करवाया गया था वो एक कोरियोग्राफर डांसर है जिन्होंने इस फिल्म में वो दोनों चीजें की हुई थी डायलॉग्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे लिरिक्स भी मयूरपुरी के ही थे प्ले रेमो डिसूजा और नंदी ने लिखा हुआ था सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सुरेश और वेनम जो द फिक्शनल फिक्टियस क्रू के मेंबर है उनकी जो जर्नी थी लाइफ जर्नी थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ था स्टोरी रेमो डिसोजा ने ही क्रिएट किए हुई थी सिद्धार्थ रॉय कपूर ने अपने वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया था यूटी मोशन पिक्चर्स के द्वारा उन्होंने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म का बजट करीबन 50 करोड़ था तो एक अच्छा खासा बजट था जिसका रन टाइम फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का सेंसर करवाया हुआ था यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे चौंतीस मिनट की फिल्म जिसको मनन सागर के पास एडिट करवाया सिनेमेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है इसके अलावा म्यूज़िक में सचिन जिगर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा इस फिल्म के गानों को रिलीज़ करवाया गया था उन्होंने राइट्स खरीदे हुए थे सचिन जिगर ने करीबन दस गानों को कंपोज किया हुआ था जिसकी लेंथ थी तिरतालीस मिनट तैंतीस सेकंड और उन गानों को दो हजार तो में ही क्रिएट किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के गानों के ऊपर के उसमें टोटल दस गाने थे पहला गाना था बेजुबान फिर से उसको लिखा हुआ था मयूरपुरी ने गाया हुआ था विशाल ददलानी अनुष्का मंचला और माधव कृष्णा ने सुन साथिया गाने के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर प्रिया सरैया और दिव्या कुमार थी वहीं पे चुनर करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर अरिजीत सिंह थे क्रेसेंडो थे और वोकल्स थे वो दिव्या कुमार ने दिए हुए थे हैप्पी बर्थडे वाला जो गाना था वो डी सोल्जर और मयू, मयूरपुरी ने लिखा हुआ था वरुण धवन सचिन जिगर और डी सोल्जर ने गाया हुआ था इफ़ यू होल्ड माई हैंड करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर बेनी दयाल थे एक्सटेंडेड कर्ल्ट जो वोकल्स थे वो शेफ अली अलवेस और अनुष्का मंचन दाके थे वहीं पे हे गनरिया करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे दिव्या कुमार ने गाया हुआ था बेकिंग वोकल्स थे वो थे राजीव सुंदर सम और निखिल कसर के र, आ, कासरे करके इसके अलावा हैप्पी अवर करके जो गाना था उसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था मिका सिंह और ए पॉजिटिव ढिलो ने गाया हुआ था नाच मेरी जान करके जो गाना था उसको मयूरपुरी रिमी न्यूक ने लिखा हुआ था बैनी दयाल सलम खोलगड़े सिद्धांत बसरूर और रिमी नाइक ने गाया हुआ था टेटू वाला गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सेफाली अलवेस ने गाया हुआ था वंदे मातरम जो दसवा आखिरी गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी बादशाह ने लिखे हुए थे दलेर मेहंदी बादशाह तनीसा सांगवी दिव्य कुमार ने उनको गाया हुआ था टोटल दस गाने जिसको आप फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो तो ये सभी गाने को क्रिएट किया गया था वहीं पे एक रिप्राइज वर्जन था बेजुबान फिर से उसको भी रिलीज करवाया गया था और वो सदा कपूर नील शर्मा ने गाया हुआ था विथ इंग्लिश रेप जो शर्मा के द्वारा लिखे गए थे हिंदी लिरिक्स थे वो पूरी के पास से बोरो किए गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के गानों के साथ कुछ काम किया हुआ था एक अनक्रेडिटेड किया हुआ था जो एंड तो सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभु देवा इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने इस फिल्म में प्ले किया हुआ है विष्णु का किरदार जो वैसे देखा जाए तो पहले पार्ट में भी कुछ वही रोल था विष्णु का ही जो उन्होंने प्ले किया हुआ था इस फिल्म में लीड रोल में दे प्रभु देवा के साथ आपको देखने को मिलेंगे वरुण धवन जो इस फिल्म में काफ़ी एक डांसर का रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ पे उनके जो किरदार का नाम था वो नाम था सुरेश मुकुंद यानी कि सुरु श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में विनीता शर्मा का रोल प्ले किया है उर्फ विनी का सुशांत पुजारी आपको वेरनो मोन्तेरियो के रोल में दिखाई देंगे लॉरेन गोतिब ने इस फिल्म में ओलिव का रोल प्ले किया है। राघव जुएल राघव कॉक्रोक्रॉक्स क्रो, क्रो, का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे धर्मेश धर्मेशलांडे ने धर्मेश एके के डी का रोल प्ले किया हुआ है पुनित पाठक विनोद के रोल में दिखाई देंगे टिस्का चोपड़ा ने स्वाति कश्यप जो विष्णु की एक स्वाइप का रोल था वो प्ले किया मुरली शर्मा ने सिट्टी अन्ना का रोल प्ले किया हुआ है पवन राव को पवन का रोल दिया गया था दीपक सालवे ने इस फिल्म में दीपक का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको संदीप साबले भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में सांडी का रोल प्ले किया हुआ है सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल कसारे ने निखिल का रोल प्ले किया हुआ है प्राची शाह को पद्मश्री दुर्गा देवी का रोल दिया गया था जो सूर्य की डिसीज मदर थी एलिना कुमार ने इस फिल्म में मयूरी का रोल प्ले किया हुआ है सुमित पेंदम ने सुमित का रोल प्ले किया हुआ है जीनीत रात को मानव मनु कश्यप का रोल दिया गया था जो विष्णु का बेटा था पूजा बत्रा ने इस फिल्म में स्पेशल अपेरेंस दिया हुआ है पूजा कोहली के रोल में शशांक खेता ने इस फिल्म में एक फ्रेंडली अपेरेंस दिया हुआ है लोकल जज के तौर पर बेंगलुरु क्वालिफाइज मैच में वहीं पर इस फिल्म में कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू भी देखने को मिलेंगे एक अपीयरेंस uh, के तौर पे तो इस तरह से इस फिल्म में प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर फिल्मिंग की शुरुआत करते तो एबीसीडी बी टू को मुंबई बेंगलोर लास वेगस में शूट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को मार्च 2015 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था यंग टैलेंटेड फ्रेंच ड्यूर लेस टिविन यानी कि लोरेंट और लेरी बॉर्गेज के द्वारा इस फिल्म में जो स्पेशल फ्री स्टाइल डांस था एक सॉन्ग में टेटू सॉन्ग में उसके लिए उनको अप्रोच किया हुआ था उस डांस स्टाइल में एक गाना कोर करने के लिए इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में करीबन इस फिल्म के साथ अपना एक अच्छा खासा एक डांस परफॉर्मेंस दिखाया हुआ था उनकी और वरुण धवन की केमिस्ट्री भी फिल्म में काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म को यू टी मोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज़ करवाया हुआ था और डिजनी सब्सिडी रे उनके द्वारा 19 जून 2015 को इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तब इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिस दिन फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म ने करीबन छः हजार सात सौ वोट हासिल किए जिसमें चौवन पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन बॉक्स ऑफिस पे करीबन चौदह करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चौदह करोड़ चौवन लाख का संडे के दिन सत्रह करोड़ इक्यान लाख का नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने छियालीस करोड़ पैंतीस लाख का पहला वीकेंड दर्ज किया वहीं पे इस फिल्म ने मंडे के दिन आठ करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ सतहत्तर लाख का वेनसडे के दिन पाँच करोड़ अड़सठ अच्छा लाख का नेट कलेक्शन किया गुरुवार के दिन इस फिल्म ने इंडिया से चार करोड़ तिरानवे लाख का नेट कलेक्शन किया इसके साथ पहला वीक फिल्म का करीबन इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का निकल के आया उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया उसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करीबन पच्चीस से तीस दिन तक चली हुई थी जहाँ पे सेकंड वीक के पहले सेकंड फ्राइडे के वक्त इस फिल्म ने तीन करोड़ इकहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के दिन पाँच करोड़ सतहत्तर लाख का सेकंड संडे के दिन फिल्म ने सात करोड़ चालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इकतालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड ट्यूजडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ दो लाख का कलेक्शन किया सेकंड वेनेसडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया सेकंड थर्सडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया वहीं पर थर्ड फ्राइडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ एक लाख का कलेक्शन किया थर्ड सैटरडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ तिरसठ लाख का और थर्ड संडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ तेईस लाख का किया कलेक्शन किया डे नंबर एटीन के ऊपर फिल्म ने सिक्सटी नाइन लेख का कलेक्शन किया डे नंबर नाइनटीन के ऊपर फिल्म ने पैंसठ लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर फिल्म ने इकसठ लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर फिल्म ने फिफ्टी लेक्स का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर इस फिल्म ने बत्तीस लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी थ्री के ऊपर तिरपन लाख का कलेक्शन किया और डे नंबर चौबीस पे इस फिल्म ने सत्तर लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में इकहत्तर लाख अठहत्तर का इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे वीक में पच्चीस करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे वीक में सात करोड़ चालीस लाख का नेट कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पा काफी बेहतरीन वे में इंडिया से सौ करोड़ का बेंच नेट कलेक्शन में हासिल किया जहाँ पे इंडिया से इस फिल्म ने एक तो करोड़ 74 लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे जो ग्रोस कलेक्शन था वो था 146 करोड़ 86 लाख का और इस में इस फिल्म ने 14 करोड़ 63 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म 161 करोड़ 49 49 लाख का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करने में कामयाब रही थी तो इस तरह से इस फिल्म ने 50 करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लिया हुआ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जब ओ पे भी प्रीमियर करवाया गया सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया वहाँ पे भी काफ़ी बेहतरीन व्यूअरशिप फिल्म ने हासिल की हुई थी इस फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स है वो खरीदे हुए नेटफ्लिक्स और सोनी लेव दोनों ने मिलकर यानी कि टाइप राइट्स कह सकते हैं वैसे प्रॉपर राइट्स पहले नेटफ्लिक्स नहीं खरीदे हुए थे लेकिन जो सैटेलाइट राइट्स थे वो सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने शायद ओ के राइट्स उनके साथ टाइप करते हुए लिए होंगे तो इस वजह से ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो नेटफ्लिक्स और सोनी लिव दोनों ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये फिल्म देखने को मिलेगी जहाँ पे ए बी सी डी टू नाम के साथ इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन इंजॉय कर पाओगे वहीं पे सेटेलाइट चैनल सोनी मैक्स के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में ए बी सी डी टू यानी कि एनी बन एनी बडी कैन डांस पार्ट टू नाम के साथ आप बिल्कुल प्रीमियर होता हुआ देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं एबीसीडी टू फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और सोनी लेव दोनों ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट सोनी मैक्स सोनी मैक्स एच के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास इसका मतलब इस फिल्म को आप ए बी सी डी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से ए बी सी डी टू फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे ए बी सी डी टू जिसका फुल फॉर्म है एनी बडी कैन डांस पार्ट टू ये ए बी सी डी पार्ट वन का ऑफिशियल सिक्वल है 2013 में पहला पार्ट बना हुआ था लेकिन ये एक स्टैंड अलोन सिक्वल है स्टैंड अलोन सिक्वल का मतलब कि जो वाइब है जो किरदार है कुछ आपको उसी टाइप के इस फिल्म में देखने को मिलेंगे लेकिन जो कहानी है वो पूरी तरह से एक अलग और डिफरेंट नज़र आएगी पहले पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा ए बी सी डी पार्ट टू डिजनी के द्वारा बनाई गई थी जिसको डिजनी ए बी सी डी टू भी कहा जाता है ये एक 2015 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक डांस ड्रामा फिल्म थी जिसको डिरेक्ट किया हुआ था रेमो डिसोजा ने फिल्म के जितने भी डांस सीक्वेंस थे उसको भी रेमो डिसोजा के द्वारा ही कोरियोग्राफ करवाया गया था वो एक कोरियोग्राफर डांसर है जो जिन्होंने इस फिल्म में वो दोनों चीजें किए हुई थी डायलॉग्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे लिरिक्स भी मयूरपुरी के ही थे स्क्रीन प्ले रेमो डिसूजा और तुषार हिरनंदानी ने लिखा हुआ था सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सुरेश और वेनम जो द फिक्शनल फिक्टियस क्रू के मेंबर है उनकी जो जर्नी थी लाइफ जर्नी थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ था स्टोरी रेमो डिसोजा ने ही क्रिएट किए हुई थी सिद्धार्थ रोई कपूर ने अपने वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया था यूटी मोशन पिक्चर्स के द्वारा उन्होंने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म का बजट करीबन 50 करोड़ था तो एक अच्छा खासा बजट था जिसका रन टाइम फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का सेंसर करवाया हुआ था यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे चौंतीस मिनट की फिल्म जिसको मनन सागर के पास एडिट करवाया सिनेमेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है इसके अलावा म्यूज़िक में सचिन जिगर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा इस फिल्म के गानों को रिलीज़ करवाया गया था उन्होंने राइट्स ख़रीदे हुए थे सचिन जिगर ने करीबन दस गानों को कंपोज किया हुआ था जिसकी लेंथ थी तिरतालीस मिनट तैंतीस सेकंड और उन गानों को दो हज़ार में ही क्रिएट किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के गानों के ऊपर के उसमें टोटल दस गाने थे पहला गाना था बेजुबान फिर से उसको लिखा हुआ था मयूरपुरी ने गाया हुआ था विशाल ददलानी अनुष्का मंचला और माधव कृष्णा ने सुन साथिया गाने के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर प्रिया सरैया और दिव्या कुमार थी वहीं पे चुनर करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर अरिजीत सिंह थे क्रेसेंडो थे और वोकल्स थे वो दिव्या कुमार ने दिए हुए थे हैप्पी बर्थडे वाला जो गाना था वो डी सोल्जर और मयू, मयूरपुरी ने लिखा हुआ था वरुण धवन सचिन जिगर और डी सोल्जर ने गाया हुआ था इफ़ यू होल्ड माई हैंड करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर बेनी दयाल थे एक्सटेंडेड कल्ट जो वोकल्स थे वो सेफ अली अलवेस और अनुष्का मंचा के थे वहीं पे हे गनरिया करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे दिव्या कुमार ने गाया हुआ था बेकिंग वोकल्स थे वो थे राजीव सम और निखिल कसर के र, आ, कासरे करके इसके अलावा हैप्पी अवर करके जो गाना था उसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था मिका सिंह और ए पॉजिटिव ढिलो ने गाया हुआ था नाच मेरी जान करके जो गाना था उसको मयूरपुरी रिमी न्यूक ने लिखा हुआ था बैनी दयाल सलमान खोलगड़े सिद्धांत बसरूर और रिमी नाइक ने गाया हुआ था टेटू वाला गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सेफाली अली अलवेस ने गाया हुआ था वंदे मातरम जो दसवा आखिरी गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी बादशाह ने लिखे हुए थे दलेर मेहंदी बादशाह तनीसा सांगवी दिव्य कुमार ने उसको गाया हुआ था टोटल दस गाने जिसको आप फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो तो ये सभी गाने को क्रिएट किया गया था वहीं पे एक रिप्राइज वर्जन था बेजुबान फिर से उसको भी रिलीज करवाया गया था और वो सदा कपूर नील शर्मा ने गाया हुआ था विथ इंग्लिश रेप जो शर्मा के द्वारा लिखे गए थे हिंदी लिरिक्स थे वो पूरी के पास से बोरो किए गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के गानों के साथ कुछ काम किया हुआ था एक वर्जन वंदे मातरम का भी क्रिएट किया हुआ था जो एन में में आपको आपको सुनने को मिलेगा तो ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभु देवा इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने इस फिल्म में प्ले किया हुआ है विष्णु का किरदार जो वैसे देखा जाए तो पहले पार्ट में भी कुछ वही रोल था विष्णु का ही जो उन्होंने प्ले किया हुआ था इस फिल्म में लीड रोल में दे प्रभु देवा के साथ आपको देखने को मिलेंगे वरुण धवन जो इस फिल्म में काफ़ी एक डांसर का रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ पे उनके जो किरदार का नाम था वो नाम था सुरेश मुकुंद यानी कि सुरु श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में विनीता शर्मा का रोल प्ले किया है उर्फ विनी का

पवन राव को पवन का रोल दिया गया था दीपक सालवे ने इस फिल्म में दीपक का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको संदीप साबले भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में सांडी का रोल प्ले किया हुआ है सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल कसारे ने निखिल का रोल प्ले किया हुआ है प्राची शाह को पद्मश्री दुर्गा देवी का रोल दिया गया था जो सूर की डिस मदर थी एलिना कुमार ने इस फिल्म में मयूरी का रोल प्ले किया हुआ है सुमित पेंदम ने सुमित का रोल प्ले किया हुआ है जिनीत रात को मानव मनु कश्यप का रोल दिया गया था जो विष्णु का बेटा था पूजा बत्रा ने इस फिल्म में स्पेशल अपीरेंस दिया हुआ है पूजा कोहली के रोल में शशांक खेता ने इस फिल्म में एक फ्रेंडली अपीयरेंस दिया हुआ है लोकल जज के तौर पर बेंगलुरु क्वालिफाइज मैच में वहीं पर इस फिल्म में कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू भी देखने को मिलेंगे एक अपीयरेंस के तौर पे तो इस तरह से इस फिल्म में प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर फिल्मिंग की शुरुआत करते तो एबीसीडी बी टू को मुंबई बेंगलोर लास वेगस में शूट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को मार्च 2015 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था यंग टैलेंटेड फ्रेंच ड्यूर लेस ट्स यानी कि लोरेंट और लेरी बॉर्ग के द्वारा इस फिल्म में जो स्पेशल फ्री स्टाइल डांस था एक सॉन्ग में टेटू सॉन्ग में उसके लिए उनको अप्रोच किया हुआ था उस डांस स्टाइल में एक गाना कोरियोग्राफ करने के लिए इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में करीबन इस फिल्म के साथ अपना एक अच्छा खासा एक डांस परफॉर्मेंस दिखाया हुआ था उनकी और वरुण धवन की केमिस्ट्री भी फिल्म में काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म को यू टी मोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था और डिजनी सब्सिडी रही उनके द्वारा 19 जून 2015 को इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तब इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिस दिन फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम इस फिल्म ने करीबन छह हजार सात सौ वोट हासिल किए जिसमें चौवन पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन बॉक्स ऑफिस पे करीबन चौदह करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चौदह करोड़ चौवन लाख का संडे के दिन सत्रह करोड़ इक्यान लाख का नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने छियालीस करोड़ पैंतीस लाख का पहला वीकेंड दस किया वहीं पे इस फिल्म ने मंडे के दिन आठ करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ सतहत्तर लाख का वेनसडे के दिन पाँच करोड़ अड़सठ अच्छा लाख का नेट कलेक्शन किया गुरुवार के दिन इस फिल्म ने इंडिया से चार करोड़ तिरानवे लाख का नेट कलेक्शन किया इसके साथ पहला वीक फिल्म का करीबन इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का निकल के आया उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया उसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे करीबन पच्चीस से तीस दिन तक चली हुई थी जहाँ पे सेकंड वीक के पहले फ्राइडे के वक्त इस फिल्म ने तीन करोड़ इकहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे से के दिन पाँच करोड़ सतहत्तर लाख का सेकंड संडे के दिन फिल्म ने सात करोड़ चालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इकतालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड ट्यूजडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ दो लाख का कलेक्शन किया सेकंड वेनजे के दिन फिल्म ने एक करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया सेकंड थर्सडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया वहीं पर थर्ड फ्राइडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ एक लाख का कलेक्शन किया थर्ड सैटरडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ तिरसठ लाख का और थर्ड संडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ तेईस लाख का किया कलेक्शन किया डे नंबर एटीन के ऊपर फिल्म ने सिक्सटी नाइन लेख का कलेक्शन किया डे नंबर नाइनटीन के ऊपर फिल्म ने पैंसठ लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर फिल्म ने इकसठ लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी वन के ऊपर फिल्म ने फिफ्टी एट लेक्स का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी टू के ऊपर इस फिल्म ने बत्तीस लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी थ्री के ऊपर तिरपन लाख का कलेक्शन किया और डे नंबर चौबीस पर इस फिल्म ने सत्तर लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में इकहत्तर लाख अठहत्तर का इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे वीक में पच्चीस करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे वीक में सात करोड़ चालीस लाख का नेट कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पाका भी बेहतरीन वे में इंडिया से 100 करोड़ का बेंच मार्क नेट कलेक्शन में हासिल किया जहां पे इंडिया से इस फिल्म ने 105 करोड़ चौहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे जो ग्रोस कलेक्शन था वो था 146 करोड़ छियासी लाख का और में इस फिल्म ने 14 करोड़ तिरसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म एक करोड़ उन पचास लाख का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करने में कामयाब रही थी तो इस तरह से इस फिल्म ने 50 करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक सर्थ सर्थ करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लिया हुआ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जब ओ पे भी प्रीमियर करवाया गया सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन व्यूअरशिप फिल्म ने हासिल की हुई थी इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो खरीदे हुए नेटफ्लिक्स और सोनी लियो दोनों ने मिलकर यानी कि टाइप राइट्स कह सकते हैं वैसे प्रॉपर राइट्स पहले नेटफ्लिक्स नहीं ख़रीदे हुए थे लेकिन जो सैटेलाइट राइट्स थे वो सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने शायद ओ के राइट्स उनके साथ टाइप करते हुए लिए होंगे तो इस वजह से ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो नेटफ्लिक्स और सोनी लिव दोनों ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये फिल्म देखने को मिलेगी जहाँ पे ए बी सी डी टू नाम के साथ इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इंजॉय कर पाओगे वहीं पे सेटेलाइट चैनल सोनी मैक्स के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में ए बी सी डी टू यानी कि एनी बन एनी बडी कैन डांस पार्ट टू नाम के साथ आप बिल्कुल में प्रीमियर होता हुआ देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं एबीसीडी टू फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और सोनी लेव दोनों ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है उसके राइट सोनी मैक्स सोनी मैक्स एच के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास इसका मतलब इस फिल्म को आप ए बी सी डी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से ए बी सी डी टू फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे ए बी सी डी टू जिसका फुल फॉर्म है एनी कैन डांस पार्ट टू ये ए बी सी डी पार्ट वन का ऑफिशियल सिक्वल है 2013 में पहला पार्ट बना हुआ था लेकिन एक स्टैंड अलोन सिक्वल है स्टैंड अलोन सिक्वल का मतलब कि जो वाइब है जो किरदार है कुछ आपको उसी टाइप के इस फिल्म में देखने को मिलेंगे लेकिन जो कहानी है वो पूरी तरह से एक अलग और डिफरेंट नजर आएगी पहले पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा ए बी सी डी पार्ट टू डिजनी के द्वारा बनाई गई थी जिसको डिजनी से ए बी सी डी टू भी कहा जाता है ये एक 2015 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक डांस ड्रामा फिल्म थी जिसको डिरेक्ट किया हुआ था रेमो डिसोजा ने फिल्म के जितने भी डांस सिक्वेंस थे उसको भी रेमो डिसोजा के द्वारा ही कोरियोग्राफ करवाया गया था वो एक कोरियोग्राफर डांसर है जो जिन्होंने की हुई थी डायलॉग्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे लिरिक्स भी मयूरपुरी के ही थे स्क्रीन प्ले रेमो और तुषार हिर ने लिखा हुआ था सिद्धार्थ रोई कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सुरेश और वेरनम जो द फिक्सनल क्रू के मेंबर है उनकी जो जर्नी थी लाइफ जर्नी थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ था स्टोरी रेमो डिसूजा ने ही क्रिएट किए हुई थी सिद्धार्थ रॉय कपूर ने अपने वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया था यूटी मोशन पिक्चर्स के द्वारा उन्होंने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म का बजट करीबन 50 करोड़ था तो एक अच्छा खासा बजट था जिसका रन टाइम फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का सेंसर करवाया हुआ था यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे चौतीस मिनट की फिल्म जिसको मनन सागर के पास एडिट करवाया सिनेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है इसके अलावा म्यूज़िक में सचिन जिगर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा इस फिल्म के गानों को रिलीज़ करवाया गया था उन्होंने राइट्स खरीदे हुए थे सचिन जिगर ने करीबन दस गानों को कंपोज़ किया हुआ था जिसकी लेंथ थी तिरतालीस मिनट तैंतीस सेकंड और उन गानों को दो हजार में ही क्रिएट किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के गानों के ऊपर के उसमें टोटल दस गाने थे पहला गाना था बेजुबान फिर से उसको लिखा हुआ था मयूरपुरी ने गाया हुआ था विशाल ददलानी अनुष्का मंचला और माधव कृष्णा ने सुन साथिया गाने के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर प्रिया सरैया और दिव्या कुमार थी वहीं पे चुनर करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर अरिजीत सिंह थे क्रेशनडो थे और वोकल्स थे वो दिव्या कुमार ने दिए हुए थे हैप्पी बर्थडे वाला जो गाना था वो डी सोल्जर और मयू, मयूरपुरी ने लिखा हुआ था वरुण धवन सचिन जिगर और डी सोल्जर ने गाया हुआ था इफ़ यू होल्ड माई हैंड करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर बेनी दयाल थे एक्सटेंडेड कल्ट जो वोकल्स थे वो सेफ अली अलवेस और अनुष्का मंचन के थे वहीं पे हे गनरिया करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे दिव्या कुमार ने गाया हुआ था बेकिंग वोकल्स थे वो थे राजीव सुंदर सम और निखिल कसर के रग, आ, कासरे करके इसके अलावा हैप्पी अवर करके जो गाना था उसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था मिका सिंह और ए पॉजिटिव ढिलो ने गाया हुआ था नाच मेरी जान करके जो गाना था उसको मयूरपुरी रिमी न्यूक ने लिखा हुआ था बैनिदयाल सलम अली खोलगढ़े सिद्धांत बसरूर और रिमी नाइक ने गाया हुआ था टेटू वाला गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सेफाली अलवेस ने गाया हुआ था वंदे मातरम जो दसवा आखिरी गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी बादशाह ने लिखे हुए थे दलेर मेहंदी बादशाह तनीसा सांगवी दिव्य कुमार ने उनको गाया हुआ था तो टोटल दस गाने जिसको आप फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो तो ये सभी गाने को क्रिएट किया गया था वहीं पे एक रिप्राइज वर्जन था बेजुबान फिर से उसको भी रिलीज करवाया गया था और वो सदा कपूर नील शर्मा ने गाया हुआ था विथ इंग्लिश रेप जो शर्मा के द्वारा लिखे गए थे हिंदी लिरिक्स थे वो पूरी के पास से बोरो किए गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के गानों के साथ कुछ काम किया हुआ था एक अनक्रेडिटेड वर्जन वंदे मातरम का भी क्रिएट किया हुआ था जो एंड में आपको सुनने को मिलेगा तो ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभु देवा इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने इस फिल्म में प्ले किया हुआ है विष्णु का किरदार जो वैसे देखा जाए तो पहले पार्ट में भी कुछ वही रोल था विष्णु का ही जो उन्होंने प्ले किया हुआ था इस फिल्म में लीड रोल में दे प्रभु देवा के साथ आपको देखने को मिलेंगे वरुण धवन जो इस फिल्म में काफ़ी एक डांसर का रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ पे उनके जो किरदार का नाम था वो नाम था सुरेश मुकुंद यानी कि सुरु श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में विनीता शर्मा का रोल प्ले किया है उर्फ विनी का सुशांत पुजारी आपको वेरनो मोन्तेरियो के रोल में दिखाई देंगे लॉरेन गोतिब ने इस फिल्म में ओलिव का रोल प्ले किया है राघव जुएल राघव क्रॉक्स का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे धर्मेश धर्मेशलांडे ने धर्मेश के डी का रोल प्ले किया हुआ है पुनित पाठक विनोद के रोल में दिखाई देंगे टिस्का चोपड़ा ने स्वाति कश्यप जो विष्णु की एक स्वाइप का रोल था वो प्ले किया मुरली शर्मा ने चिट्टी अन्ना का रोल प्ले किया हुआ है पान राव को पवन का रोल दिया गया था दीपक सालवे ने इस फिल्म में दीपक का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको संदीप साबले भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में सांडी का रोल प्ले किया हुआ है सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल कसारे ने निखिल का रोल प्ले किया हुआ है प्राची शाह को पद्मश्री दुर्गा देवी का रोल दिया गया था जो सूर्य की डिसीज इज मदर थी एलिना कुमार ने इस फिल्म में मयूरी का रोल प्ले किया हुआ है सुमित पेंदम ने सुमित का रोल प्ले किया हुआ है जीनीत रात को मानव मनु कश्यप का, का रोल दिया गया था जो विष्णु का बेटा था पूजा बत्रा ने इस फिल्म में स्पेशल अपीरेंस दिया हुआ है पूजा कोहली के रोल में शशांक खेता ने इस फिल्म में एक फ्रेंडली अपीरेंस दिया हुआ है लोकल जज के तौर पर बेंगलुरु क्वालिफाइज मैच में वहीं पर इस फिल्म में कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू भी देखने को मिलेंगे एक अपीयरेंस के तौर पे तो इस तरह से इस फिल्म में प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर फिल्मिंग की शुरुआत करते तो एबीसीडी बी टू को मुंबई बेंगलोर लास वेगस में शूट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को मार्च 2015 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था यंग टैलेंटेड फ्रेंच ड्यू लेस यानी कि लोरेंट और लेरी बॉर्गेज के द्वारा इस फिल्म में जो स्पेशल फ्री स्टाइल डांस था एक सॉन्ग में टेटू सॉन्ग में उसके लिए उनको अप्रोच किया हुआ था उस डांस स्टाइल में एक गाना कोर करने के लिए इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में करीबन इस फिल्म के साथ अपना एक अच्छा खासा एक डांस परफॉर्मेंस दिखाया हुआ था उनकी और वरुण धवन की केमिस्ट्री भी फिल्म में काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म को यू मोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था और डिजनी सब्सिडी रे उनके द्वारा 19 जून 2015 को इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तब इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जिस दिन फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म ने करीबन छः हजार सात सौ वोट हासिल किए जिसमें चौवन पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन बॉक्स ऑफिस पे करीबन चौदह करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सेटरडे के दिन चौदह करोड़ चौवन लाख का संडे के दिन सत्रह करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने छियालीस करोड़ पैंतीस लाख का पहला वीकेंड दर्ज किया वहीं पे इस फिल्म ने मंडे के दिन आठ करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ सतहत्तर लाख का वेनसडे के दिन पाँच करोड़ अड़सठ अच्छा लाख का नेट कलेक्शन किया गुरुवार के दिन इस फिल्म ने इंडिया से चार करोड़ तिरानवे लाख का नेट कलेक्शन किया इसके साथ पहला वीक फिल्म का करीबन इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का निकल के आया उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया उसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करीबन पच्चीस से तीस दिन तक चली हुई थी जहाँ पे सेकेंड वीक के पहले सेकंड फ्राइडे के वक्त इस फिल्म ने तीन करोड़ इकहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के दिन पाँच करोड़ सतहत्तर लाख का सेकंड संडे के दिन फिल्म ने सात करोड़ चालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इकतालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड ट्यूसडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ दो लाख का कलेक्शन किया सेकंड वेनस्डे के दिन फिल्म ने एक करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया सेकंड थर्सडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया वहीं पर थर्ड फ्राइडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ एक लाख का कलेक्शन किया थर्ड सैटरडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ लाख का और थर्ड संडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ तेईस लाख का कलेक्शन किया डे नंबर एटीन के ऊपर फिल्म सिक्सटी नाइन लेख का कलेक्शन किया डे नंबर नाइनटीन के ऊपर फिल्म ने पैंसठ लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर फिल्म ने इकसठ लाख का कलेक्शन किया नंबर ट्वेंटी वन के ऊपर फिल्म ने फिफ्टी एट लेक्स का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी टू के ऊपर इस फिल्म ने बत्तीस लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी थ्री के ऊपर तिरपन लाख का कलेक्शन किया और डे नंबर चौबीस पर इस फिल्म ने सत्तर लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में इकहत्तर लाख अठहत्तर का इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे वीक में पच्चीस करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे वीक में सात करोड़ चालीस लाख का नेट कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पाका भी बेहतरीन वे में इंडिया से 100 करोड़ का बेंच मार्क नेट कलेक्शन में हासिल किया जहां पे इंडिया से इस फिल्म ने 105 करोड़ चौहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे जो ग्रोस कलेक्शन था वो था एक करोड़ छियासी लाख का और इसमें इस फिल्म ने 14 करोड़ तिरसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म एक, एक करोड़ उन पचास उन पचास लाख का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करने में कामयाब रही थी तो इस तरह से इस फिल्म ने 50 करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक सर्थ सर्थ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लिया हुआ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जब ओ पे भी प्रीमियर करवाया गया सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया वहाँ पे भी काफी बेहतरीन व्यूअर्स फिल्म ने हासिल की हुई थी इस फिल्म के जो ओ टी टी है वो खरीदे हुए नेटफ्लिक्स और सोनी लिव दोनों ने मिलकर यानी कि टाइप राइट्स कह सकते हैं वैसे प्रॉपर राइट्स पहले नेटफ्लिक्स ने ही खरीदे हुए थे लेकिन जो सैटेलाइट राइट्स थे वो सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने शायद ओ के राइट्स उनके साथ टाइप करते हुए लिए होंगे तो इस वजह से ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो नेटफ्लिक्स और सोनी लिव दोनों ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये फिल्म देखने को मिलेगी जहाँ पे ए बी नाम के साथ इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन कर पाओगे वहीं पे सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में एबीसीडी टू यानी कि एनीबैन एनीबडी कैन डांस पार्ट टू नाम के साथ आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एबीसीडी टू फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और सोनी लिव दोनों ओटीटी प्लेटफार्म के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में एंजॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट सोनी मैक्स सोनी मैक्स एच के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास इसका मतलब इस फिल्म को आप ए बी सी डी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से ए बी सी डी टू फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे ए बी सी डी पार्ट टू डिज्नी के द्वारा बनाई गई थी जिसको डिजनी ए बी सी डी टू भी कहा जाता है ये एक 2015 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक डांस ड्रामा फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था रेमो डिसोजा ने फिल्म के जितने भी डांस सिक्वेंस थे उसको भी रेमो डिसोजा के द्वारा ही कोरियोग्राफ करवाया गया था वो एक कोरियोग्राफर डांसर है जो न, इन इस फिल्म में वो दोनों चीजें किए हुई थी डायलॉग्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे लिरिक्स भी मयूरपुरी के ही थे प्ले रेमो डिसूजा और हिरनंदानी ने लिखा हुआ था सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सुरेश और वेनम जो द फिक्शनल फिक्टियस क्रू के मेंबर है उनकी जो जर्नी थी लाइफ जर्नी थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ था स्टोरी रेमो डिसोजा ने ही क्रिएट किए हुई थी सिद्धार्थ रोई कपूर ने अपने वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया था यूटी मोशन पिक्चर्स के द्वारा उन्होंने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म का बजट करीबन 50 करोड़ था तो एक अच्छा खासा बजट था जिसका रन टाइम फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का सेंसर करवाया हुआ था यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे चौंतीस मिनट की फिल्म जिसको मनन सागर के पास एडिट करवाया सिनेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है इसके अलावा म्यूज़िक में सचिन जिगर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा इस फिल्म के गानों को रिलीज़ करवाया गया था उन्होंने राइट्स खरीदे हुए थे सचिन जिगर ने करीबन दस गानों को कंपोज किया हुआ था जिसकी लेंथ थी तिरतालीस मिनट तैंतीस सेकंड और उन गानों को दो हज़ार में ही क्रिएट किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के गानों के ऊपर के उसमें टोटल दस गाने थे पहला गाना था बेजुबान फिर से उसको लिखा हुआ था मयूरपुरी ने गाया हुआ था विशाल ददलानी अनुष्का मंचला और माधव कृष्णा ने सुन साथ गाने के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर प्रिया सरैया और दिव्या कुमार थी वहीं पे चुनर करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर अरिजीत सिंह थे क्रेसेंडो थे और वोकल्स थे वो दिव्या कुमार ने दिए हुए थे है बर्थडे वाला जो गाना था वो डी सोल्जर और मयूरपुरी ने लिखा हुआ था वरुण धवन सचिन जिगर और डी सोल्जर ने गाया हुआ था इफ़ यू होल्ड my हैंड करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर बेनी दयाल थे एक्सटेंडेड कल्ट जो वोकल्स थे वो शेफ अली अलवेस और अनुष्का मनचंदा के थे वहीं पे हे गनरिया करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे दिव्या कुमार ने गाया हुआ था बेकिंग वोकल्स थे वो थे राजीव सुंदरसम और निखिल कसर के रग, आ... कासरे करके इसके अलावा हैप्पी अवर करके जो गाना था उसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था मिका सिंह और ए पॉजिटिव ढीलो ने गाया हुआ था नाच मेरी जान करके जो गाना था उसको मयूरपुरी रिमी न्यूक ने लिखा हुआ था बैनी दयाल सलमलिक खोलगड़े सिद्धांत बसरूर और रिमी नाइक ने गाया हुआ था टेटू वाला गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे शेफ अली अलवेस ने गाया हुआ था वंदे मातरम जो दसवा आखिरी गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी बादशाह ने लिखे हुए थे दलेर मेहंदी बादशाह तनीसा सांगवी दिव्या कुमार ने उसको गाया हुआ था थे टोटल दस गाने जिसको आप फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो तो ये सभी गाने को क्रिएट किया गया था वहीं पे एक रिप्राइज वर्जन था बेजुबान फिर से उसको भी रिलीज करवाया गया था और वो सदा कपूर नील शर्मा ने गाया हुआ था विथ इंग्लिश रेप जो शर्मा के द्वारा लिखे गए थे हिंदी लिरिक्स थे वो पूरी के पास से बोरो किए गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के गानों के साथ कुछ काम किया हुआ था एक अनक्रेडिटेड वर्जन वंदे मातरम का भी क्रिएट किया हुआ था जो एंड में आपको सुनने को मिलेगा तो ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभु देवा इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने इस फिल्म में प्ले किया हुआ है विष्णु का किरदार जो वैसे देखा जाए तो पहले पार्ट में भी कुछ वही रोल था विष्णु का ही जो उन्होंने प्ले किया हुआ था इस फिल्म में लीड रोल में प्रभु देवा के साथ आपको देखने को मिलेंगे वरुण धवन जो इस फिल्म में काफ़ी एक डांसर का रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ पे उनके जो किरदार का नाम था वो नाम था सुरेश मुकुंद यानी कि सुरु श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में विनीता शर्मा का रोल प्ले किया है उर्फ विनी का

पवन राव को पवन का रोल दिया गया था दीपक सालवे ने इस फिल्म में दीपक का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको संदीप साबले भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में सांडी का रोल प्ले किया हुआ है सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल कसारे ने निखिल का रोल प्ले किया है प्राची शाह को पद्मश्री दुर्गा देवी का रोल दिया गया था जो सूर की डिस इज मदर थी एलिना कुमार ने इस फिल्म में मयूरी का रोल प्ले किया हुआ है सुमित पेंदम ने सुमित का रोल प्ले किया हुआ है जिनी रात को मानव मनु कश्यप का, का रोल दिया गया था जो विष्णु का बेटा था पूजा बत्रा ने इस फिल्म में स्पेशल अपीरेंस दिया हुआ है पूजा कोहली के रोल में शशांक खेता ने इस फिल्म में एक फ्रेंडली अपेयरेंस दिया हुआ है लोकल जज के तौर पर बेंगलुरु क्वालिफाइज मैच में वहीं पर इस फिल्म में कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू भी देखने को मिलेंगे एक अपीयरेंस के तौर पे तो इस तरह से इस फिल्म में प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर फिल्मिंग की शुरुआत करते तो एबीसीडी बी टू को मुंबई बेंगलोर लास वेगस में शूट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को मार्च 2015 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था यंग टैलेंटेड फ्रेंच ड्यूर लेस ट्स यानी कि लोरेंट और लेरी बॉर्गस के द्वारा इस फिल्म में जो स्पेशल फ्री स्टाइल डांस था एक सॉन्ग में टेटू सॉन्ग में उसके लिए उनको अप्रोच किया हुआ था उस डांस स्टाइल में एक गाना कोरियोग्राफ करने के लिए इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में करीबन इस फिल्म के साथ अपना एक अच्छा खासा एक डांस परफॉर्मेंस दिखाया हुआ था उनकी और वरुण धवन की केमिस्ट्री भी फिल्म में काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म को यू टी मोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था और डिजनी सब्सिडी रही उनके द्वारा 19 जून 2015 को इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तब इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिस दिन फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी इस फिल्म ने करीबन छः हजार सात सौ वोट हासिल किए जिसमें चौवन पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन बॉक्स ऑफिस पे करीबन चौदह करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चौदह करोड़ चौवन लाख का संडे के दिन सत्रह करोड़ इक्यान लाख का नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने छियालीस करोड़ पैंतीस लाख का पहला वीकेंड दर्ज किया वहीं पे इस फिल्म ने मंडे के दिन आठ करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ सतहत्तर लाख का वेनसडे के दिन पाँच करोड़ अड़सठ लाख का नेट कलेक्शन किया गुरुवार के दिन इस फिल्म ने इंडिया से चार करोड़ तिरानवे लाख का नेट कलेक्शन किया इसके साथ पहला वीक फिल्म का करीबन इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का निकल के आया उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया उसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे करीबन पच्चीस से तीस दिन तक चली हुई थी जहाँ पे सेकेंड वीक के पहले फ्राइडे के वक्त इस फिल्म ने तीन se करोड़ इकहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के दिन पाँच करोड़ सतहत्तर लाख का सेकंड संडे के दिन फिल्म ने सात करोड़ चालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इकतालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड ट्यूजडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ दो लाख का कलेक्शन किया सेकंड वेन्स्डे के दिन फिल्म ने एक करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया सेकंड थर्सडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया वहीं पर थर्ड फ्राइडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ एक लाख का कलेक्शन किया थर्ड सैटरडे के दिन, फिल्म ने एक का, और के दिन फिल्म ने दो करोड़ तेईस लाख का कलेक्शन किया डे नंबर एटीन के ऊपर फिल्म ने सिक्सटी लेख का कलेक्शन किया डे नंबर नाइनटीन के ऊपर फिल्म ने पैंसठ लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर फिल्म ने इकसठ लाख का कलेक्शन किया नंबर ट्वेंटी वन के ऊपर फिल्म ने फिफ्टी एट लेक्स का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी टू के ऊपर इस फिल्म ने बत्तीस लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी थ्री के ऊपर तिरपन लाख का कलेक्शन किया और डे नंबर चौबीस पर इस फिल्म ने सत्तर लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में इकहत्तर लाख अठहत्तर का इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे वीक में पच्चीस करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे वीक में सात करोड़ चालीस लाख का नेट कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पाका भी बेहतरीन वे में इंडिया से 100 करोड़ का बेंच मार्क नेट कलेक्शन में हासिल किया जहां पे इंडिया से इस फिल्म ने 105 करोड़ चौहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे जो ग्रोस कलेक्शन था वो था 146 करोड़ छियासी लाख का ओवरसीज में इस फिल्म ने 14 करोड़ तिरसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म एक करोड़ उन पचास लाख का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करने में कामयाब रही थी ए बी सी डी टू जिसका फुल फॉर्म है एनीबड़ी कैन डांस पार्ट टू ये ए बी सी डी पार्ट वन का ऑफिशियल सिक्वल है दो हजार तेरह में पहला पार्ट बना हुआ था लेकिन ये एक स्टैंड अलोन सिक्वल है स्टैंड अलोन सिक्वल का मतलब कि जो वाइब है जो किरदार है कुछ आपको उसी टाइप के इस फिल्म में देखने को मिलेंगे लेकिन जो कहानी है वो पूरी तरह से एक अलग और डिफरेंट नज़र आएगी पहले पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा ए बी सी डी पार्ट टू डिज्नी के द्वारा बनाई गई थी जिसको डिजनी ए बी सी डी टू भी कहा जाता है ये एक 2015 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक डांस ड्रामा फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था रेमो डिसोजा ने फिल्म के जितने भी डांस सिक्वेंस थे उसको भी रेमो डिसोजा के द्वारा ही कोरियोग्राफ करवाया गया था वो एक कोरियोग्राफर डांसर है जो न, इस फिल्म में वो दोनों चीजें किए हुई थी डायलॉग्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे लिरिक्स भी मयूरपुरी के ही थे प्ले रेमो डिसूजा और हिरनंदानी ने लिखा हुआ था सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सुरेश और वेनम जो द फिक्शनल फिक्टियस क्रू के मेंबर है उनकी जो जर्नी थी लाइफ जर्नी थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ था स्टोरी रेमो डिसो ने ही क्रिएट किए हुई थी सिद्धार्थ रॉय कपूर ने अपने वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया था यूटी मोशन पिक्चर्स के द्वारा उन्होंने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म का बजट करीबन 50 करोड़ था तो एक अच्छा खासा बजट था जिसका रन टाइम फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का सेंसर करवाया हुआ था यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे चौंतीस मिनट की फिल्म जिसको मनन सागर के पास एडिट करवाया सिनेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है इसके अलावा म्यूज़िक में सचिन जिगर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा इस फिल्म के गानों को रिलीज़ करवाया गया था उन्होंने राइट्स खरीदे हुए थे सचिन जिगर ने करीबन दस गानों को कंपोज किया हुआ था जिसकी लेंथ थी तिरतालीस मिनट तैंतीस सेकंड और उन गानों को दो हज़ार में ही क्रिएट किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के गानों के ऊपर के उसमें टोटल दस गाने थे पहला गाना था बेजुबान फिर से उसको लिखा हुआ था मयूरपुरी ने गाया हुआ था विशाल ददलानी अनुष्का मंचला और माधव कृष्णा ने सुन साथिया गाने के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर प्रिया सरैया और दिव्या कुमार थी वहीं पे चुनर करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर अरिजीत सिंह थे क्रेसेंडो थे और वोकल्स थे वो दिव्या कुमार ने दिए हुए थे हैप्पी बर्थडे वाला जो गाना था वो डी सोल्जर और मयूरपुरी मायू, ने लिखा हुआ था वरुण धवन सचिन जिगर और डी सोल्जर ने गाया हुआ था इफ यू होल्ड my हैंड करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर बेनी दयाल थे एक्सटेंडेड कल्ट जो वोकल्स थे वो शेफ अली अलवेस और अनुष्का मनचंदा के थे वहीं पे हे गनरिया करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे दिव्या कुमार ने गाया हुआ था बेकिंग वोकल्स थे वो थे राजीव सुंदरशम और निखिल कसर के कासरे करके इसके अलावा हैप्पी अवर करके जो गाना था उसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था मिका सिंह और ए पॉजिटिव ढीलो ने गाया हुआ था नाच मेरी जान करके जो गाना था उसको मयूरपुरी रिमी न्यूक ने लिखा हुआ था बेनी दयाल सलम अली खोलगढ़े सिद्धांत बसरूर और रिमी नाइक ने गाया हुआ था टेटू वाला गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे शेफाली अलवेस ने गाया हुआ था वंदे मातरम जो दसवा आखिरी गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी बादशाह ने लिखे हुए थे दलेर मेहंदी बादशाह तनीसा सांगवी दिव्य कुमार ने उसको गाया हुआ था थे, टोटल दस गाने जिसको आप फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो तो ये सभी गाने को क्रिएट किया गया था वहीं पे एक रिप्राइज वर्जन था बेजुबान फिर से उसको भी रिलीज करवाया गया था और वो सदा कपूर नील शर्मा ने गाया हुआ था विथ इंग्लिश रेप जो शर्मा के द्वारा लिखे गए थे हिंदी लिरिक्स थे वो पूरी के पास से बोरो किए गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के गानों के साथ कुछ काम किया हुआ था एक अनक्रेडिटेड वर्जन वंदे मातरम का भी क्रिएट किया हुआ था जो एन में आपको सुनने को मिलेगा तो ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभु देवा इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने इस फिल्म में प्ले किया हुआ है विष्णु का किरदार जो वैसे देखा जाए तो पहले पार्ट में भी कुछ वही रोल था विष्णु का ही जो उन्होंने प्ले किया हुआ था इस फिल्म में लीड रोल में प्रभुदेवा के साथ आपको देखने को मिलेंगे वरुण धवन जो इस फिल्म में काफ़ी एक डांसर का रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ पे उनके जो किरदार का नाम था वो नाम था सुरेश मुकुंद यानी कि सुरु श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में विनीता शर्मा का रोल प्ले किया है उर्फ विनी का सुशांत पुजारी आपको वेरनो मोन्तेरियो के रोल में दिखाई देंगे लॉरेन गोतिब ने इस फिल्म में ओलिव का रोल प्ले किया है। राघव जुएल राघव क्रॉक्स का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे धर्मेशलांडे ने धर्मेश के डी का रोल प्ले किया हुआ है पुनित पाठक विनोद के रोल में दिखाई देंगे चोपड़ा ने स्वाति जो विष्णु की एक स्वाइप का रोल था वो प्ले किया मुरली शर्मा ने चिट्टी अन्ना का रोल प्ले किया हुआ है पवन राव को पवन का रोल दिया गया था दीपक सालवे ने इस फिल्म में दीपक का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको संदीप साबले भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में सांडी का रोल प्ले किया हुआ है सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल कसारे ने निखिल का रोल प्ले किया हुआ है प्राची शाह को पद्मश्री दुर्गा देवी का रोल दिया गया था जो सूर्य की डिसीज मदर थी एलिना कुमार ने इस फिल्म में मयूरी का रोल प्ले किया हुआ है सुमित पेंदम ने सुमित का रोल प्ले किया हुआ है जिनीत रात को मानव मनु कश्यप का, का रोल दिया गया था जो विष्णु का बेटा था पूजा बत्रा ने इस फिल्म में स्पेशल अपीरेंस दिया हुआ है पूजा कोहली के रोल में शशांक खेता ने इस फिल्म में एक फ्रेंडली अपेयरेंस दिया हुआ है लोकल जज के तौर पर बेंगलुरु क्वालिफाइज मैच में वहीं पर इस फिल्म में कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू भी देखने को मिलेंगे एक अपीयरेंस uh, के तौर पे तो इस तरह से इस फिल्म में प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर फिल्मिंग की शुरुआत करते तो ए बी सी डी टू को मुंबई बेंगलोर लास वेगस में शूट किया हुआ था जहां पे इस फिल्म को मार्च दो तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था यंग टैलेंटेड फ्रेंच ड्यूर लेस टिविन यानी कि लोरेंट और लेरी बॉर्गस के द्वारा इस फिल्म में जो स्पेशल फ्री स्टाइल डांस था एक सॉन्ग में टेटू सॉन्ग में उसके लिए उनको अप्रोच किया हुआ था उस डांस स्टाइल में एक गाना कोरियोक्राफ करने के लिए इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में करीबन इस फिल्म के साथ अपना एक आ, प, अच्छा खासा एक डांस परफॉर्मेंस दिखाया हुआ था उनकी और वरुण धवन की केमिस्ट्री भी फिल्म में काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म को यू टी मोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था और डिजनी सब्सिडी रे उनके द्वारा 19 जून 2015 को इस फिल्म को रिलीज करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज करवाया गया तब इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिस दिन फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी फिल्म में करीबन छः हज़ार सात सौ वोट हासिल किए जिसमें चौवन पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन बॉक्स ऑफिस पे करीबन चौदह करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चौदह करोड़ चौवन लाख का संडे के दिन सत्रह करोड़ इक्यान लाख का नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने छियालीस करोड़ पैंतीस लाख का पहला वीकेंड दर्ज किया वहीं पे इस फिल्म ने मंडे के दिन आठ करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ सतहत्तर लाख का वेनसडे के दिन पाँच करोड़ अड़सठ लाख का नेट कलेक्शन किया गुरुवार के दिन इस फिल्म ने इंडिया से चार करोड़ तिरानवे लाख का नेट कलेक्शन किया इसके साथ पहला वीक फिल्म का करीबन इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का निकल के आया उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया उसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे करीबन पच्चीस से तीस दिन तक चली हुई थी जहाँ पे सेकेंड वीक के पहले सेकंड फ्राइडे के वक्त इस फिल्म ने तीन करोड़ इकहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे से के दिन पाँच करोड़ सतहत्तर लाख का सेकंड संडे के दिन फिल्म ने सात करोड़ चालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इकतालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड ट्यूजडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ दो लाख का कलेक्शन किया सेकंड वेनेसडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया सेकंड थर्सडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया वहीं पर थर्ड फ्राइडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ एक लाख का कलेक्शन किया थर्ड सैटरडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ तिरसठ लाख का और थर्ड संडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ तेईस लाख का किया कलेक्शन किया डे नंबर एटीन के ऊपर फिल्म ने सिक्सटी नाइन लेख का कलेक्शन किया डे नंबर नाइनटीन के ऊपर फिल्म ने पैंसठ लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर फिल्म ने इकसठ लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर फिल्म ने फिफ्टी लेक्स का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर इस फिल्म ने बत्तीस लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी थ्री के ऊपर तिरपन लाख का कलेक्शन किया और डे नंबर चौबीस पर इस फिल्म ने सत्तर लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में इकहत्तर लाख अठहत्तर का इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे वीक में पच्चीस करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे वीक में सात करोड़ चालीस लाख का नेट कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पा काफी बेहतरीन वे में इंडिया से सौ करोड़ का बेंच नेट कलेक्शन में हासिल किया जहाँ पे इंडिया से इस फिल्म ने एक पांच करोड़ चौहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे जो ग्रोस कलेक्शन था वो था लाख का और इस में इस फिल्म ने 14 करोड़ तिरसठ लाख का ऊपर करने में कामयाब रही थी तो इस तरह से इस फिल्म ने 50 करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस हिट का टैग लिया हुआ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जब ओ पे भी प्रीमियर करवाया गया सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया वहाँ पे भी काफ़ी बेहतरीन व्यूअर्स फिल्म ने हासिल की हुई थी इस फिल्म के जो ओ टी राइट्स है वो खरीदे हुए नेटफ्लिक्स और सोनी लेव दोनों ने मिलकर यानी कि टाइप राइट्स कह सकते वैसे प्रॉपर राइट्स पहले नेटफ्लिक्स ही खरीदे हुए थे लेकिन जो सैटेलाइट राइट्स थे वो सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने शायद ओ के राइट्स उनके साथ टाइप करते हुए लिए होंगे तो इस वजह से ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो नेटफ्लिक्स और सोनी लिव दोनों ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये फिल्म देखने को मिलेगी जहाँ पे एबीसी नाम के साथ इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन कर पाओगे वहीं पे सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में एबीसीडी टू यानी कि एनीबैंड एनीबडी कैन डांस पार्ट टू नाम के साथ आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि एबीसीडी टू फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और सोनी ले दोनों के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट सोनी मैक्स सोनी मैक्स एच के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास इसका मतलब इस फिल्म को आप ए बी सी डी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से ए बी सी डी टू फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे ए बी सी डी टू जिसका फुल फॉर्म है एनी बडी कैन डांस पार्ट टू ये ए बी सी डी पार्ट वन का ऑफिशियल सिक्वल है दो में पहला पार्ट बना हुआ था लेकिन एक स्टैंड अलोन सिक्वल है स्टैंड अलोन सिक्वल का मतलब कि जो वाइब है जो किरदार है कुछ आपको उसी टाइप के इस फिल्म में देखने को मिलेंगे लेकिन जो कहानी है वो पूरी तरह से एक अलग और डिफरेंट नज़र आएगी पहले पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा ए बी सी डी पार्ट टू डिजनी के द्वारा बनाई गई थी जिसको डिजनी ए बी सी डी टू भी कहा जाता है ये एक 2015 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक डांस ड्रामा फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था रेमो डिसोजा ने फिल्म के जितने भी डांस सिक्वेंस थे उसको भी रेमो डिसोजा के द्वारा ही कोरियोग्राफ करवाया गया था वो एक कोरियोग्राफर डांसर है जो जिन्होंने इस फिल्म में वो दोनों चीजें किए हुई थी डायलॉग्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे लिरिक्स भी मयूरपुरी के ही थे स्क्रीन प्ले रेमो डिसूजा और तुषार हिर ने लिखा हुआ था सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सुरेश और वेनम जो द फिक्सनल फिक्टियस क्रू के मेंबर है उनकी जो जर्नी थी लाइफ जर्नी थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ था स्टोरी रेमोटिशो जाने ही क्रिएट किए हुई थी सिद्धार्थ रॉय कपूर ने अपने वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया था यूटी मोशन पिक्चर्स के द्वारा उन्होंने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म का बजट करीबन 50 करोड़ था तो एक अच्छा खासा बजट था जिसका रन टाइम फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का सेंसर करवाया हुआ था यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे चौंतीस मिनट की फिल्म जिसको मनन सागर के पास एडिट करवाया सिनेमेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है इसके अलावा म्यूज़िक में सचिन जिगर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा इस फिल्म के गानों को रिलीज करवाया गया था उन्होंने राइट्स खरीदे हुए थे सचिन जिगर ने करीबन दस गानों को कंपोज किया हुआ था जिसकी लेंथ थी तिरतालीस मिनट तैंतीस सेकंड और उन गानों को दो हजार में ही क्रिएट किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के गानों के ऊपर के उसमें टोटल दस गाने थे पहला गाना था बेजुबान फिर से उसको लिखा हुआ था मयूरपुरी ने गाया हुआ था विशाल ददलानी अनुष्का मंचला और माधव कृष्णा ने सुन साथिया गाने के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर प्रिया सरैया और दिव्या कुमार थी वहीं पे चुनर करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर अरिजीत सिंह थे क्रेसेंडो थे और वोकल्स थे वो दिव्या कुमार ने दिए हुए थे बर्थडे वाला जो गाना था वो डी सोल्जर और मयू, मयूरपुरी ने लिखा हुआ था वरुण धवन सचिन जिगर और डी सोल्जर ने गाया हुआ था इफ़ यू होल्ड माय हैंड करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर बेनी दयाल थे एक्सटेंडेड कल्ट जो वोकल्स थे वो शेफ अली अलवेस और अनुष्का मंचंदा के थे वहीं पे हे गनरिया करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे दिव्या कुमार ने गाया हुआ था बेकिंग वोकल्स थे वो थे राजीव सुंदर सम और निखिल कसर के र, आ, कासरे करके इसके अलावा हैप्पी अवर करके जो गाना था उसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था मिका सिंह और ए पॉजिटिव ढिलो ने गाया हुआ था नाच मेरी जान करके जो गाना था उसको मयूरपुरी रिमी न्यूक ने लिखा हुआ था बैनी दयाल खोलगड़े सिद्धांत बसरूर और रिमी नाइक ने गाया हुआ था टेटू वाला गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सेफाली अली अलवेस ने गाया हुआ था वंदे मातरम जो दसवा आखिरी गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी बादशाह ने लिखे हुए थे दलेर मेहंदी बादशाह तनीसा सांगवी दिव्या कुमार ने उनको गाया हुआ था टोटल दस गाने जिसको आप फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो तो ये सभी गाने को क्रिएट किया गया था वहीं पे एक रिप्राइज वर्जन था बेजुबान फिर से उसको भी रिलीज करवाया गया था और वो सदा कपूर नील शर्मा ने गाया हुआ था विथ इंग्लिश रेप जो शर्मा के द्वारा लिखे गए थे हिंदी लिरिक्स थे वो पूरी के पास से बोरो किए गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के गानों के साथ कुछ काम किया हुआ था एक अनक्रेडिटेड किया हुआ था जो एंड मिलेगा तो ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभु देवा इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने इस फिल्म में प्ले किया हुआ है विष्णु का किरदार जो वैसे देखा जाए तो पहले पार्ट में भी कुछ वही रोल था विष्णु का ही जो उन्होंने प्ले किया हुआ था इस फिल्म में लीड रोल में प्रभुदेवा के साथ आपको देखने को मिलेंगे वरुण धवन जो इस फिल्म में काफ़ी एक डांसर का रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ पे उनके जो किरदार का नाम था वो नाम था सुरेश मुकुंद यानी कि सुरु श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में विनीता शर्मा का रोल प्ले किया है उर्फ विनी का

पवन राव को पवन का रोल दिया गया था दीपक सालवे ने इस फिल्म में दीपक का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको संदीप साबले भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में सांडी का रोल प्ले किया हुआ है सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल कसारे ने निखिल का रोल प्ले किया हुआ है प्राची शाह को पद्मश्री दुर्गा देवी का रोल दिया गया था जो सूर की डिस मदर थी एलिना कुमार ने इस फिल्म में मयूरी का रोल प्ले किया हुआ है सुमित पेंदम ने सुमित का रोल प्ले किया हुआ है जिनित रात को मानव मनु कश्यप का रोल दिया गया था जो विष्णु का बेटा था पूजा बत्रा ने इस फिल्म में स्पेशल अपीयेंस दिया हुआ है पूजा कोहली के रोल में शशांक खेता ने इस फिल्म में एक फ्रेंडली अपीरेंस दिया हुआ है लोकल जज के तौर पर बेंगलुरु क्वालिफाइज मैच में वहीं पर इस फिल्म में कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू भी देखने को मिलेंगे एक अपीयरेंस uh, के तौर पे तो इस तरह से इस फिल्म में प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर फिल्मिंग की शुरुआत करते तो ए बी सी डी टू को मुंबई बेंगलोर लास वेगस में शूट किया हुआ था जहां पे इस फिल्म को मार्च दो तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था यंग टैलेंटेड फ्रेंच ड्यूर लेस ट्स यानी कि लोरेंट और लेरी बॉर्गर्स के द्वारा इस फिल्म में जो स्पेशल फ्री स्टाइल डांस था एक सॉन्ग में टेटू सॉन्ग में उसके लिए उनको अप्रोच किया हुआ था उस डांस स्टाइल में एक गाना कोरियोक्राफ गा करने के लिए इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में करीबन इस फिल्म के साथ था, अपना एक अच्छा खासा एक डांस परफॉर्मेंस दिखाया हुआ था उनकी और वरुण धवन की केमिस्ट्री भी फिल्म में काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म को यू मोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था और डिजनी सब्सिडी रे उनके द्वारा 19 जून 2015 को इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तब इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिस दिन फिल्म को रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म ने करीबन छः हज़ार सात सौ वोट हासिल किए जिसमें चौवन पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन बॉक्स ऑफिस पे करीबन चौदह करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चौदह करोड़ चौवन लाख का संडे के दिन सत्रह करोड़ इक्यान लाख का नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने छियालीस करोड़ पैंतीस लाख का पहला वीकेंड दर्ज किया वहीं पे इस फिल्म ने मंडे के दिन आठ करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ सतहत्तर लाख का वेनसडे के दिन पाँच करोड़ अड़सठ लाख का नेट कलेक्शन किया गुरुवार के दिन इस फिल्म ने इंडिया से चार करोड़ तिरानवे लाख का नेट कलेक्शन किया इसके साथ पहला वीक फिल्म का करीबन इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का निकल के आया उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह के पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया उसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे करीबन पच्चीस से तीस दिन तक चली हुई थी जहाँ पे सेकेंड वीक के पहले सेकंड फ्राइडे के वक्त इस फिल्म ने तीन करोड़ इकहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के दिन पाँच करोड़ सतहत्तर लाख का सेकंड संडे के दिन फिल्म ने सात करोड़ चालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इकतालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड ट्यूजडे के दिन, दिन फिल्म ने दो करोड़ दो लाख का कलेक्शन किया सेकंड वेनजे के दिन फिल्म ने एक करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया सेकंड थर्सडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया वहीं पर थर्ड फ्राइडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ एक लाख का कलेक्शन किया थर्ड सैटरडे के दिन फिल्म, फिल्म ने दो करोड़ तेईस लाख का कलेक्शन किया डे नंबर एटीन के ऊपर फिल्म सिक्सटी नाइन लेख का कलेक्शन किया डे नंबर नाइनटीन के ऊपर फिल्म ने पैंसठ लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर फिल्म ने इकसठ लाख का, का कलेक्शन किया नंबर ट्वेंटी वन के ऊपर तो फिल्म ने फिफ्टी एट लेक्स का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी टू के ऊपर तो इस फिल्म ने बत्तीस लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी थ्री के ऊपर तो तिरपन लाख का कलेक्शन किया और डे नंबर चौबीस पर इस फिल्म ने सत्तर लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में इकहत्तर लाख अठहत्तर का इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे वीक में पच्चीस करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे वीक में सात करोड़ चालीस लाख का नेट कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पाका भी बेहतरीन वे में इंडिया से 100 करोड़ का बेंच मार्क नेट कलेक्शन में हासिल किया जहां पे इंडिया से फिल्म ने 105 करोड़ चौहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे कलेक्शन था वो था 146 करोड़ छियासी लाख का और इसमें इस फिल्म ने 14 करोड़ तिरसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म एक करोड़ उन पचास उन पचास लाख का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करने में कामयाब रही थी तो इस तरह से इस फिल्म ने 50 करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लिया हुआ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जब ओ पे भी प्रीमियर करवाया गया सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन व्यूअरशिप फिल्म ने हासिल की हुई थी इस फिल्म के जो ओ टी है वो खरीदे हुए नेटफ्लिक्स और सोनी लेव दोनों ने मिलकर यानी कि टाइप राइट्स कह सकते हैं वैसे प्रॉपर राइट्स पहले नेटफ्लिक्स ही खरीदे हुए थे लेकिन जो सैटेलाइट राइट्स थे वो सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने शायद ओ के राइट्स उनके साथ टाइप करते हुए लिए होंगे तो इस वजह से ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो नेटफ्लिक्स और सोनी लिव दोनों ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये फिल्म देखने को मिलेगी जहाँ पे ए बी सी डी टू नाम के साथ इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इंजॉय कर पाओगे वहीं पे सेटेलाइट चैनल सोनी मैक्स के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में ए बी सी डी टू यानी कि एनी बन एनी बडी कैन डांस पार्ट टू नाम के साथ आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि एबीसीडी टू फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और सोनी लेव दोनों ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट सोनी मैक्स सोनी मैक्स एच के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास इसका मतलब इस फिल्म को आप ए बी सी डी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से ए बी सी डी टू फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे ए बी सी डी टू जिसका फुल फॉर्म है एनी बड़ी कैन डांस पार्ट टू ये ए बी सी डी पार्ट वन का ऑफिशियल सिक्वल है दो हजार तेरह में पहला पार्ट बना हुआ था लेकिन ये एक स्टैंड अलोन सिक्वल है स्टैंड अलोन सिक्वल का मतलब कि जो वाइब है जो किरदार है कुछ आपको उसी टाइप के इस फिल्म में देखने को मिलेंगे लेकिन जो कहानी है वो पूरी तरह से एक अलग और डिफरेंट नज़र आएगी पहले पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा ए बी सी डी पार्ट टू डिज्नी के द्वारा बनाई गई थी जिसको डिज्नी से ए बी सी डी टू भी कहा जाता है ये एक 2015 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक डांस ड्रामा फिल्म थी जिसको डिरेक्ट किया हुआ था रेमो डिसोजा ने फिल्म के जितने भी डांस सीक्वेंस थे उसको भी रेमो डिसोजा के द्वारा ही कोरियोग्राफ करवाया गया था वो एक कोरियोग्राफर डांसर है जो इस फिल्म में वो दोनों चीज़ें हुई थी डायलॉग्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे लिरिक्स भी मयूरपुरी के ही थे प्ले रेमो डिसोजा और तुषार हिरनंदानी ने लिखा हुआ था सिद्धार्थ रोई कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सुरेश और वेनम जो द फिक्शनल क्रू फिक के मेंबर है उनकी जो जर्नी थी लाइव जर्नी थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ था स्टोरी रेमो डिसोजा ने ही क्रिएट की हुई थी सिद्धार्थ रॉय कपूर ने अपने वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया था यूटी मोशन पिक्चर्स के द्वारा उन्होंने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म का बजट करीबन 50 करोड़ था तो एक अच्छा खासा बजट था जिसका रन टाइम फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का सेंसर करवाया हुआ था यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे चौंतीस मिनट की फिल्म जिसको मनन सागर के पास एडिट करवाया सिनेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है इसके अलावा म्यूज़िक में सचिन जिगर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा इस फिल्म के गानों को रिलीज़ करवाया गया था उन्होंने राइट्स खरीदे हुए थे सचिन जिगर ने करीबन दस गानों को कंपोज किया हुआ था जिसकी लेंथ थी तिरतालीस मिनट तैंतीस सेकंड और उन गानों को दो हज़ार में ही क्रिएट किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के गानों के ऊपर के उसमें टोटल दस गाने थे पहला गाना था बेजुबान फिर से उसको लिखा हुआ था मयूरपुरी ने गाया हुआ था विशाल ददलानी अनुष्का मंचला और माधव कृष्णा ने सुन साथिया गाने के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर प्रिया सरैया और दिव्या कुमार थी वहीं पे चुनर करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर अरिजीत सिंह थे क्रेशनडो थे और वोकल्स थे वो दिव्या कुमार ने दिए हुए थे हैप्पी बर्थडे वाला जो गाना था वो डी सोल्जर और मयू, मयूरपुरी ने लिखा हुआ था वरुण धवन सचिन जिगर और डी सोल्जर ने गाया हुआ था इफ़ यू होल्ड माई हैंड करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर बेनी दयाल थे एक्सटेंडेड कल्ट जो वोकल्स थे वो शेफ अली अलवेस और अनुष्का मंचा के थे वहीं पे हे गनरिया करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे दिव्या कुमार ने गाया हुआ था बेकिंग वोकल्स थे वो थे राजीव सुंदर और निखिल कसर के र, आ, कासरे करके इसके अलावा हैप्पी अवर करके जो गाना था उसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था मिका सिंह और ए पॉजिटिव ढिलो ने गाया हुआ था नाच मेरी जान करके जो गाना था उसको मयूरपुरी रिमी न्यूक ने लिखा हुआ था बैनिदयाल सलम अली सिद्धांत बसरूर और रिमी नाइक ने गाया हुआ था टेटू वाला गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सेफाली अलवेर्स ने गाया हुआ था वंदे मातरम जो दसवा आखिरी गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी बादशाह ने लिखे हुए थे दलेर मेहंदी बादशाह तनीसा सांगवी दिव्य कुमार ने उसको गाया हुआ था टोटल दस गाने जिसको आप फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो तो ये सभी गाने को क्रिएट किया गया था वहीं पे एक रिप्राइज वर्जन था बेजुबान फिर से उसको भी रिलीज करवाया गया था और वो सदा कपूर नील शर्मा ने गाया हुआ था विथ इंग्लिश रेप जो शर्मा के द्वारा लिखे गए थे हिंदी लिरिक्स थे वो पूरी के पास से बोरो किए गए थे

जो उन्होंने प्ले किया हुआ था इस फिल्म में लीड रोल में प्रभुदेवा के साथ आपको देखने को मिलेंगे वरुण धवन जो इस फिल्म में काफ़ी एक डांसर का रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ पे उनके जो किरदार का नाम था वो नाम था सुरेश मुकुंद यानी कि सुरु श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में विनीता शर्मा का रोल प्ले किया है उर्फ विनी का

पवन राव को पवन का रोल दिया गया था दीपक सालवे ने इस फिल्म में दीपक का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको संदीप साबले भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में सांडी का रोल प्ले किया हुआ है सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल कसारे ने निखिल का रोल प्ले किया हुआ है प्राची शाह को पद्मश्री दुर्गा देवी का रोल दिया गया था जो सूर की डिस मदर थी एलिना कुमार ने इस फिल्म में मयूरी का रोल प्ले किया हुआ है सुमित पेंदम ने सुमित का रोल प्ले किया हुआ है जिनीत रात को मानव मनु कश्यप का रोल दिया गया था जो विष्णु का बेटा था पूजा बत्रा ने इस फिल्म में स्पेशल अपेरेंस दिया हुआ है पूजा कोहली के रोल में शशांक खेता ने इस फिल्म में एक फ्रेंडली अपीरेंस दिया हुआ है लोकल जज के तौर पर बेंगलुरु क्वालिफाइज मैच में वहीं पर इस फिल्म में कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू भी देखने को मिलेंगे एक अपीरेंस के तौर पे तो इस तरह से इस फिल्म में प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर फिल्मिंग की शुरुआत करते तो एबीसीडी बी टू को मुंबई बेंगलोर लास वेगस में शूट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को मार्च 2015 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था यंग टैलेंटेड फ्रेंच ड्यू लेस यानी कि लोरेंट और लेरी बॉर्गेज के द्वारा इस फिल्म में जो स्पेशल फ्री स्टाइल डांस था एक सॉन्ग में टेटू सॉन्ग में उसके लिए उनको अप्रोच किया हुआ था उस डांस स्टाइल में एक गाना कोरियोक्राफ करने के लिए इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में करीबन इस फिल्म के साथ अपना एक अच्छा खासा एक डांस परफॉर्मेंस दिखाया हुआ था उनकी और वरुण धवन की केमिस्ट्री भी फिल्म में काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म को यू ट्यूबी मोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज़ करवाया हुआ था और डिजनी सब्सिडी रे उनके द्वारा 19 जून 2015 को इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तब इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जिस दिन फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म ने करीबन छह हजार सात सौ वोट हासिल किए जिसमें चौवन पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन बॉक्स ऑफिस पे करीबन चौदह करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चौदह करोड़ चौवन लाख का संडे के दिन सत्रह करोड़ इक्यान लाख का नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने छियालीस करोड़ पैंतीस लाख का पहला वीकेंड दर्ज किया वहीं पे इस फिल्म ने मंडे के दिन आठ करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ सतहत्तर लाख का वेनसडे के दिन पाँच करोड़ अड़सठ लाख का नेट कलेक्शन किया गुरुवार के दिन इस फिल्म ने इंडिया से चार करोड़ तिरानवे लाख का नेट कलेक्शन किया इसके साथ पहला वीक फिल्म का करीबन इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का निकल के आया उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया उसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करीबन पच्चीस से तीस दिन तक चली हुई थी जहाँ पे सेकेंड वीक के पहले फ्राइडे के वक्त इस फिल्म ने तीन करोड़ इकहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के दिन पाँच करोड़ सतहत्तर लाख का सेकंड संडे के दिन फिल्म ने सात करोड़ चालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इकतालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड ट्यूसडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ दो लाख का कलेक्शन किया सेकंड वेनस्डे के दिन फिल्म ने एक करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया सेकंड थर्सडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया वहीं पर थर्ड फ्राइडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ एक लाख का कलेक्शन किया थर्ड सैटरडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ तिरसठ लाख का और थर्ड संडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ तेईस लाख का किया कलेक्शन किया डे नंबर एटीन के ऊपर फिल्म ने सिक्सटी नाइन लेख का कलेक्शन किया डे नंबर नाइनटीन के ऊपर फिल्म ने पैंसठ लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर फिल्म ने इकसठ लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी वन के ऊपर फिल्म ने फिफ्टी एट लेक्स का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी टू के ऊपर इस फिल्म ने बत्तीस लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी थ्री के ऊपर तिरपन लाख का कलेक्शन किया और डे नंबर चौबीस पर इस फिल्म ने सत्तर लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में इकहत्तर लाख अठहत्तर का इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे वीक में पच्चीस करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे वीक में सात करोड़ चालीस लाख का नेट कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पाका भी बेहतरीन वे में इंडिया से 100 करोड़ का बेंचमार्क नेट कलेक्शन में हासिल किया जहां पे इंडिया से इस फिल्म ने 105 करोड़ चौहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे जो ग्रोस कलेक्शन था वो था 146 करोड़ छियासी लाख का और सिर्फ में इस फिल्म ने 14 करोड़ तिरसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म एक करोड़ उनपचास उनपचास लाख का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करने में कामयाब रही थी तो इस तरह से इस फिल्म ने 50 करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लिया हुआ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जब ओ पे भी प्रीमियर करवाया गया सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन व्यूअरशिप फिल्म ने हासिल की हुई थी इस फिल्म के जो ओ टी टी है वो खरीदे हुए नेटफ्लिक्स और सोनी लिव दोनों ने मिलकर यानी कि टाइप राइट्स कह सकते हैं वैसे प्रॉपर राइट्स पहले नेटफ्लिक्स ने ही खरीदे हुए थे लेकिन जो सैटेलाइट राइट्स थे वो सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने शायद ओ के राइट्स उनके साथ टाइप करते हुए लिए होंगे तो इस वजह से ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको ओ टी के ऊपर देखनी है तो नेटफ्लिक्स और सोनी लिव दोनों ओ टी के ऊपर ये फिल्म देखने को मिलेगी जहाँ पे ए बी नाम के साथ इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन कर पाओगे

विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट सोनी मैक्स सोनी मैक्स एच के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास इसका मतलब इस फिल्म को आप ए बी सी डी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से ए बी सी डी टू फिल्म का आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे ए बी सी डी टू जिसका फुल फॉर्म है एनी बडी कैन डांस पार्ट टू ये ए बी सी डी पार्ट वन का ऑफिशियल सिक्वल है दो हजार तेरह में पहला पार्ट बना हुआ था लेकिन ये एक स्टैंड अलोन सिक्वल है स्टैंड अलोन सिक्वल का मतलब कि जो वाइब है जो किरदार है कुछ आपको उसी टाइप के इस फिल्म में देखने को मिलेंगे लेकिन जो कहानी है वो पूरी तरह से एक अलग और डिफरेंट नज़र आएगी पहले पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा ए बी सी डी पार्ट टू डिज्नी के द्वारा बनाई गई थी जिसको डिजनी ए बी सी डी टू भी कहा जाता है ये एक 2015 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक डांस ड्रामा फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था रेमो डिसोजा ने फिल्म के जितने भी डांस सिक्वेंस थे उसको भी रेमो डिसोजा के द्वारा ही कोरियोग्राफ करवाया गया था वो एक कोरियोग्राफर डांसर है जो जिन्होंने इस फिल्म में वो दोनों चीजें की हुई थी डायलॉग्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे लिरिक्स भी मयूरपुरी के ही थे प्ले रेमो डिसूजा और हिरनंदानी ने लिखा हुआ था सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सुरेश और वेनम जो द फिक्शनल फिक्टियस क्रू के मेंबर है उनकी जो जर्नी थी लाइफ जर्नी थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ था स्टोरी रेमो डिसोजा ने ही क्रिएट किए हुई थी सिद्धार्थ रोई कपूर ने अपने वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया था यूटी मोशन पिक्चर्स के द्वारा उन्होंने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म का बजट करीबन 50 करोड़ था तो एक अच्छा खासा बजट था जिसका रन टाइम फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का सेंसर करवाया हुआ था यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे चौंतीस मिनट की फिल्म जिसको मनन सागर के पास एडिट करवाया सिनेमेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है इसके अलावा म्यूज़िक में सचिन जिगर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा इस फिल्म के गानों को रिलीज करवाया गया था उन्होंने राइट्स खरीदे हुए थे सचिन जिगर ने करीबन दस गानों को कंपोज़ किया हुआ था जिसकी लेंथ थी तिरतालीस मिनट तैंतीस सेकंड और उन गानों को दो हज़ार में ही क्रिएट किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के गानों के ऊपर के उसमें टोटल दस गाने थे पहला गाना था बेजुबान फिर से उसको लिखा हुआ था मयूरपुरी ने गाया हुआ था विशाल ददलानी अनुष्का मंचला और माधव कृष्णा ने सुन साथिया गाने के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर प्रिया सरैया और दिव्या कुमार थी वहीं पे चुनर करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर अरिजीत सिंह थे क्रेसेंडो थे और वोकल्स थे वो दिव्या कुमार ने दिए हुए थे हैप्पी बर्थडे वाला जो गाना था वो डी सोल्जर और मयूरपुरी ने लिखा हुआ था वरुण धवन सचिन जिगर और डी सोल्जर ने गाया हुआ था इफ़ यू होल्ड माई हैंड करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर बेनी दयाल थे एक्सटेंडेड कल्ट जो वोकल्स थे वो शेफ अली अलवेस और अनुष्का मंचन गोविंदा के थे वहीं पे हे गनरिया करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे दिव्या कुमार ने गाया हुआ था बेकिंग वोकल्स थे वो थे राजीव सुंदर सम और निखिल कसर के र, आ, कासरे करके इसके अलावा हैप्पी अवर करके जो गाना था उसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था मिका सिंह और ए पॉजिटिव ढिलो ने गाया हुआ था नाच मेरी जान करके जो गाना था उसको मयूरपुरी रिमी न्यूक ने लिखा हुआ था बैनी दयाल सलम खोलगड़े सिद्धांत बसरूर और रिमी नाइक ने गाया हुआ था टेटू वाला गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सेफाली अली अलवेस ने गाया हुआ था वंदे मातरम जो दसवा आखिरी गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी बादशाह ने लिखे हुए थे दलेर मेहंदी बादशाह तनीसा सांगवी दिव्य कुमार ने उनको गाया हुआ था टोटल दस गाने जिसको आप फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो तो ये सभी गाने को क्रिएट किया गया था वहीं पे एक रिप्राइज वर्जन था बेजुबान फिर से उसको भी रिलीज करवाया गया था और वो सदा कपूर नील शर्मा ने गाया हुआ था विथ इंग्लिश रेप जो शर्मा के द्वारा लिखे गए थे हिंदी लिरिक्स थे वो पूरी के पास से बोरो किए गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के गानों के साथ कुछ काम किया हुआ था एक अनक्रेडिटेड वर्जन वंदे मातरम का भी क्रिएट किया हुआ था जो एन में आपको सुनने को मिलेगा तो ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभु देवा इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने इस फिल्म में प्ले किया हुआ है विष्णु का किरदार जो वैसे देखा जाए तो पहले पार्ट में भी कुछ वही रोल था विष्णु का ही जो उन्होंने प्ले किया हुआ था इस फिल्म में लीड रोल में प्रभुदेवा के साथ आपको देखने को मिलेंगे वरुण धवन जो इस फिल्म में काफ़ी एक डांसर का रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ पे उनके जो किरदार का नाम था वो नाम था सुरेश मुकुंद यानी कि सुरो श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में विनीता शर्मा का रोल प्ले किया है उर्फ विनी का सुशांत पुजारी आपको वेरनो मोन्तेरियो के रोल में दिखाई देंगे लॉरेन गोतिब ने इस फिल्म में ओलिव का रोल प्ले किया है राघव जुएल राघव क्रॉक्स का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे धर्मेश लांडे ने धर्मेश के डी का रोल प्ले किया हुआ है पुनित पाठक विनोद के रोल में दिखाई देंगे टिस्का चोपड़ा ने स्वाति कश्यप जो विष्णु की एक स्वाइप का रोल था वो प्ले किया मुरली शर्मा ने सिट्टी अन्ना का रोल प्ले किया हुआ है पवन राव को पवन का रोल दिया गया था दीपक सालवे ने इस फिल्म में दीपक का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको संदीप साबले भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में सांडी का रोल प्ले किया हुआ है सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल कसारे ने निखिल का रोल प्ले किया हुआ है प्राची शाह को पद्मश्री दुर्गा देवी का रोल दिया गया था जो शुरू की डिसीज मदर थी एलिना कुमार ने इस फिल्म में मयूरी का रोल प्ले किया हुआ है सुमित पेंदम ने सुमित का रोल प्ले किया हुआ है जिनीत रात को मानव मनु कश्यप का, का रोल दिया गया था जो विष्णु का बेटा था पूजा बत्रा ने इस फिल्म में स्पेशल अपेरेंस दिया हुआ है पूजा कोहली के रोल में शशांक खेता ने इस फिल्म में एक फ्रेंडली अपीरेंस दिया हुआ है लोकल जज के तौर पर बेंगलुरु क्वालिफाइज मैच में वहीं पर इस फिल्म में कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू भी देखने को मिलेंगे एक अपीयरेंस uh, के तौर पे तो इस तरह से इस फिल्म में प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर फिल्मिंग की शुरुआत करते तो ए बी सी डी टू को मुंबई बेंगलोर लास वेगस में शूट किया हुआ था जहां पे इस फिल्म को मार्च दो तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था यंग टैलेंटेड फ्रेंच ड्यूर लेस ट्स यानी कि लोरेंट और लेरी बॉर्गेज के द्वारा इस फिल्म में जो स्पेशल फ्री स्टाइल डांस था एक सॉन्ग में टेटू सॉन्ग में उसके लिए उनको अप्रोच किया हुआ था उस डांस स्टाइल में एक गाना कोरियोक्राफ्ट करने के लिए इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में करीबन इस फिल्म के साथ था, अपना एक आ, प, अच्छा खासा एक डांस परफॉर्मेंस दिखाया हुआ था उनकी और वरुण धवन की केमिस्ट्री भी फिल्म में काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म को यू टी मोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था और डिज्नी सब्सिडी रे उनके द्वारा 19 जून 2015 को इस फिल्म को रिलीज करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज करवाया गया तब इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिस दिन फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म ने करीबन छः हजार सात सौ वोट हासिल किए जिसमें चौवन पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन बॉक्स ऑफिस पे करीबन चौदह करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चौदह करोड़ चौवन लाख का संडे के दिन सत्रह करोड़ इक्यान लाख का नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने छियालीस करोड़ पैंतीस लाख का पहला वीकेंड डज किया वहीं पे इस फिल्म ने मंडे के दिन आठ करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ सतहत्तर लाख का वेनसडे के दिन पाँच करोड़ अड़सठ लाख का नेट कलेक्शन किया गुरुवार के दिन इस फिल्म ने इंडिया से चार करोड़ तिरानवे लाख का नेट कलेक्शन किया इसके साथ पहला वीक फिल्म का करीबन इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का निकल के आया उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया उसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करीबन पच्चीस से तीस दिन तक चली हुई थी जहाँ पे सेकंड वीक के पहले सेकंड फ्राइडे के वक्त इस फिल्म ने तीन करोड़ इकहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के दिन पाँच करोड़ सतहत्तर लाख का सेकंड संडे के दिन फिल्म ने सात करोड़ चालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इकतालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड ट्यूजडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ दो लाख का कलेक्शन किया सेकंड वेनेसडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया सेकंड थर्सडे uh, के दिन फिल्म ने एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया वहीं पर थर्ड फ्राइडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ एक लाख का कलेक्शन किया थर्ड सैटरडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ तिरसठ लाख का और थर्ड संडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ तेईस लाख का कलेक्शन किया डे नंबर एटीन के ऊपर फिल्म ने सिक्सटी नाइन लेख का कलेक्शन किया डे नंबर नाइनटीन के ऊपर फिल्म ने पैंसठ लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर फिल्म ने इकसठ लाख का कलेक्शन किया दे... नंबर ट्वेंटी वन के ऊपर फिल्म ने फिफ्टी एट लेक्स का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी टू के ऊपर इस फिल्म ने बत्तीस लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी थ्री के ऊपर तिरपन लाख का कलेक्शन किया और डे नंबर चौबीस पे इस फिल्म ने सत्तर लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में इकहत्तर लाख अठहत्तर का इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे वीक में पच्चीस करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे वीक में सात करोड़ चालीस लाख का नेट कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पाका फिबे बेहतरीन वे में इंडिया से 100 करोड़ का बेंचमार्क नेट कलेक्शन में हासिल किया जहां पे इंडिया से इस फिल्म ने 105 करोड़ चौहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे जो ग्रोस कलेक्शन था वो था 146 करोड़ छियासी लाख का सिस में इस फिल्म ने 14 करोड़ तिरसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म एक सौ इकसठ करोड़ उन पचास उन पचास लाख का कलेक्शन वाइड लेवल के ऊपर करने में कामयाब रही थी तो इस तरह से इस फिल्म ने 50 करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक सर्थ सर्थ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लिया हुआ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जब ओ पे भी प्रीमियर करवाया गया सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन व्यूअरशिप फिल्म ने हासिल की हुई थी इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो खरीदे हुए नेटफ्लिक्स और सोनी लिव दोनों ने मिलकर यानी कि टाइप राइट्स कह सकते हैं वैसे प्रॉपर राइट्स पहले नेटफ्लिक्स ने ही खरीदे हुए थे लेकिन जो सैटेलाइट राइट्स थे वो सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने शायद ओ के राइट्स उनके साथ टाइप करते हुए लिए होंगे तो इस वजह से ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो नेटफ्लिक्स और सोनी लिव दोनों ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये फिल्म देखने को मिलेगी जहाँ पे ए बी नाम के साथ इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इंजॉय कर पाओगे वहीं पे सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में एबीसीडी टू यानी कि एनीबैन एनीबडी कैन डांस पार्ट टू नाम के साथ आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि एबीसीडी टू फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और सोनी लिव दोनों ओटीटी प्लेटफार्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है उसके राइट सोनी मैक्स सोनी मैक्स एच के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास इसका मतलब इस फिल्म को आप ए बी सी डी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से ए बी सी डी टू फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे ए बी सी डी टू जिसका फुल फॉर्म है एनी बडी कैन डांस पार्ट टू ये ए बी सी डी पार्ट वन का ऑफिशियल सिक्वल है दो हजार तेरह में पहला पार्ट बना हुआ था लेकिन एक स्टैंड अलोन सिक्वल है स्टैंड अलोन सिक्वल का मतलब कि जो वाइब है जो किरदार है कुछ आपको उसी टाइप के इस फिल्म में देखने को मिलेंगे लेकिन जो कहानी है वो पूरी तरह से एक अलग और डिफरेंट नज़र आएगी पहले पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा ए बी सी डी पार्ट टू डिज्नी के द्वारा बनाई गई थी जिसको डिजनी ए बी सी डी टू भी कहा जाता है ये एक 2015 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक डांस ड्रामा फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था रेमो डिसोजा ने फिल्म के जितने भी डांस सिक्वेंस थे उसको भी रेमो डिसोजा के द्वारा ही कोरियोग्राफ करवाया गया था वो एक कोरियोग्राफर डांसर है जो इस फिल्म में वो दोनों चीजें किए हुई थी डायलॉग्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे लिरिक्स भी मयूरपुरी के ही थे प्ले रेमो डिसूजा और तुषार हिर ने लिखा हुआ था सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सुरेश और वेनम जो द फिक्सनल क्रू के मेंबर है उनकी जो जर्नी थी लाइफ जर्नी थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ था स्टोरी रेमो डिसोजा ने ही क्रिएट किए हुई थी सिद्धार्थ रॉय कपूर ने अपने वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया था यूटी मोशन पिक्चर्स के द्वारा उन्होंने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म का बजट करीबन 50 करोड़ था तो एक अच्छा खासा बजट था जिसका रन टाइम फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का सेंसर करवाया हुआ था यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे चौंतीस मिनट की फिल्म जिसको मनन सागर के पास एडिट करवाया सिनेमेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है इसके अलावा म्यूज़िक में सचिन जिगर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा इस फिल्म के गानों को रिलीज़ करवाया गया था उन्होंने राइट्स ख़रीदे हुए थे सचिन जिगर ने करीबन दस गानों को कंपोज किया हुआ था जिसकी लेंथ थी तिरतालीस मिनट तैंतीस सेकंड और उन गानों को दो हज़ार तो में ही क्रिएट किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के गानों के ऊपर के उसमें टोटल दस गाने थे पहला गाना था बेजुबान फिर से उसको लिखा हुआ था मयूरपुरी ने गाया हुआ था विशाल ददलानी अनुष्का मंचला और माधव कृष्णा ने सुन साथिया गाने के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर प्रिया सरैया और दिव्या कुमार थी वहीं पे चुनर करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर अरिजीत सिंह थे क्रेसेंडो थे और वोकल्स थे वो दिव्या कुमार ने दिए हुए थे हैप्पी बर्थडे वाला जो गाना था वो डी सोल्जर और मयू, मयूरपुरी ने लिखा हुआ था वरुण धवन सचिन जिगर और डी सोल्जर ने गाया हुआ था इफ़ यू होल्ड माय हैंड करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर बेनी दयाल थे एक्सटेंडेड कल्ट जो वोकल्स थे वो सेफ अली आलवेस और अनुष्का मनचंदा के थे वहीं पे हे गनरिया करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे दिव्या कुमार ने गाया हुआ था बेकिंग वोकल्स थे वो थे राजीव सुंदर शाम और निखिल कसर के रग, आ, कासरे करके इसके अलावा हैप्पी अवर करके जो गाना था उसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था मिका सिंह और ए पॉजिटिव ढिलो ने गाया हुआ था नाच मेरी जान करके जो गाना था उसको मयूरपुरी रिमी न्यूक ने लिखा हुआ था बैनी दयाल अली खोलगड़े सिद्धांत बसरूर और रिमी नाइक ने गाया हुआ था टेटू वाला गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सेफाली अली अलवेस ने गाया हुआ था वंदे मातरम जो दसवा आखिरी गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी बादशाह ने लिखे हुए थे दलेर मेहंदी बादशाह तनीसा सांगवी दिव्य कुमार ने उनको गाया हुआ था टोटल दस गाने जिसको आप फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो तो ये सभी गाने को क्रिएट किया गया था वहीं पे एक रिप्राइज वर्जन था बेजुबान फिर से उसको भी रिलीज करवाया गया था और वो सदा कपूर नील शर्मा ने गाया हुआ था विथ इंग्लिश रेप जो शर्मा के द्वारा लिखे गए थे हिंदी लिरिक्स थे वो पूरी के पास से बोरो किए गए थे

जो उन्होंने प्ले किया हुआ था इस फिल्म में लीड रोल में प्रभुदेवा के साथ आपको देखने को मिलेंगे वरुण धवन जो इस फिल्म में काफ़ी एक डांसर का रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ पे उनके जो किरदार का नाम था वो नाम था सुरेश मुकुंद यानी कि सुरु श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में विनीता शर्मा का रोल प्ले किया है उर्फ विनी का सुशांत पुजारी आपको वेरनो मोंटेरियो के रोल में दिखाई देंगे लॉरेन गोतिब ने इस फिल्म में ओलिव का रोल प्ले किया है। राघव जुएल राघव क्रॉक्स का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे धर्मेश ये ने धर्मेश एके के डी का रोल प्ले किया हुआ है पुनित पाठक विनोद के रोल में दिखाई देंगे टिस्का चोपड़ा ने स्वाति कश्यप जो विष्णु की एक स्वाइप का रोल था वो प्ले किया मुरली शर्मा ने चिट्टी अन्ना का रोल प्ले किया हुआ है पवन राव को पवन का रोल दिया गया था दीपक सालवे ने इस फिल्म में दीपक का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको संदीप साबले भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में सांडी का रोल प्ले किया हुआ है सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल कसारे ने निखिल का रोल प्ले किया हुआ है प्राची शाह को पद्मश्री दुर्गा देवी का रोल दिया गया था जो सूर्य की डिसीज मदर थी एलिना कुमार ने इस फिल्म में मयूरी का रोल प्ले किया हुआ है सुमित पेंदम ने सुमित का रोल प्ले किया हुआ है जीनी रात को मानव मनु कश्यप का रोल दिया गया था जो विष्णु का बेटा था पूजा बत्रा ने इस फिल्म में स्पेशल अपीरेंस दिया हुआ है पूजा कोहली के रोल में शशांक खेता ने इस फिल्म में एक फ्रेंडली अपीयरेंस दिया हुआ है लोकल जज के तौर पर बेंगलुरु क्वालिफाइज मैच में वहीं पर इस फिल्म में कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू भी देखने को मिलेंगे एक अपीयरेंस uh, के तौर पे तो इस तरह से इस फिल्म में प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर फिल्मिंग की शुरुआत करते तो एबीसीडी बी टू को मुंबई बेंगलोर लास वेगस में शूट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को मार्च 2015 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था यंग टैलेंटेड फ्रेंच ड्यूर लेस ट्स यानी कि लोरेंट और लेरी बॉर्ग के द्वारा इस फिल्म में जो स्पेशल फ्री स्टाइल डांस था एक सॉन्ग में टेटू सॉन्ग में उसके लिए उनको अप्रोच किया हुआ था उस डांस स्टाइल में एक गाना कोरियोग्राफ करने के लिए इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में करीबन इस फिल्म के साथ अपना एक अच्छा खासा एक डांस परफॉर्मेंस दिखाया हुआ था उनकी और वरुण धवन की केमिस्ट्री भी फिल्म में काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म को यू ट्यूब पिक्चर्स के द्वारा रिलीज़ करवाया हुआ था और डिजनी सब्सिडी रही उनके द्वारा 19 जून 2015 को इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तब इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिस दिन फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई इस फिल्म ने करीबन छः हजार सात सौ वोट हासिल किए जिसमें चौवन पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन बॉक्स ऑफिस पे करीबन चौदह करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चौदह करोड़ चौवन लाख का संडे के दिन सत्रह करोड़ इक्यान लाख का नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने छियालीस करोड़ पैंतीस लाख का पहला वीकेंड दर्ज किया वहीं पे इस फिल्म ने मंडे के दिन आठ करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ सतहत्तर लाख का वेनसडे के दिन पाँच करोड़ अड़सठ लाख का नेट कलेक्शन किया गुरुवार के दिन इस फिल्म ने इंडिया से चार करोड़ तिरानवे लाख का नेट कलेक्शन किया इसके साथ पहला वीक फिल्म का करीबन इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का निकल के आया उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया उसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे करीबन 25 से 30 दिन तक चली हुई थी जहाँ पे सेकंड वीक के पहले सेकंड फ्राइडे के वक्त इस फिल्म ने तीन करोड़ इकहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के दिन पाँच करोड़ सतहत्तर लाख का सेकंड संडे के दिन फिल्म ने सात करोड़ चालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इकतालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड ट्यूजडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ दो लाख का कलेक्शन किया सेकंड वेनेसडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया सेकंड थर्सडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया वहीं पर थर्ड फ्राइडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ एक लाख का कलेक्शन किया थर्ड सैटरडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ तिरसठ लाख का और थर्ड संडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ तेईस लाख का किया कलेक्शन किया डे नंबर एटीन के ऊपर फिल्म ने सिक्सटी नाइन लेख का कलेक्शन किया डे नंबर नाइनटीन के ऊपर फिल्म ने पैंसठ लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर फिल्म ने इकसठ लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर फिल्म ने फिफ्टी लेक्स का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर इस फिल्म ने बत्तीस लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी थ्री के ऊपर तिरपन लाख का कलेक्शन किया और डे नंबर चौबीस पे इस फिल्म ने सत्तर लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में इकहत्तर लाख अठहत्तर का इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे वीक में पच्चीस करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे वीक में सात करोड़ चालीस लाख का नेट कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पा काफ़ी बेहतरीन वे में इंडिया से सौ करोड़ का बेंच नेट कलेक्शन में हासिल किया जहाँ पे इंडिया से इस फिल्म ने एक तो करोड़ 74 लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे जो ग्रोस कलेक्शन था वो था 146 करोड़ 86 लाख का और इसमें इस फिल्म ने 14 करोड़ 63 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म 161 करोड़ 49 49 लाख का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करने में कामयाब रही थी तो इस तरह से इस फिल्म ने 50 करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक सर करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लिया हुआ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जब ओ पे भी प्रीमियर करवाया गया सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया वहाँ पे भी काफी बेहतरीन व्यूअर्स फिल्म ने हासिल की हुई थी इस फिल्म के जो ओ टी टी वो खरीदे हुए नेटफ्लिक्स और सोनी लेव दोनों ने मिलकर यानी कि टाइप राइट्स कह सकते हैं वैसे प्रॉपर राइट्स पहले नेटफ्लिक्स ही ख़रीदे हुए थे लेकिन जो सैटेलाइट राइट्स थे वो सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने शायद ओ के राइट्स उनके साथ टाइप करते हुए लिए होंगे तो इस वजह से ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो नेटफ्लिक्स और सोनी लिव दोनों ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये फिल्म देखने को मिलेगी जहाँ पे ए बी सी डी टू नाम के साथ इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इंजॉय कर पाओगे वहीं पे सेटेलाइट चैनल सोनी मैक्स के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में ए बी सी डी टू यानी कि एनी एनी बडी कैन डांस पार्ट टू नाम के साथ आप बिल्कुल में प्रीमियर होता हुआ देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं एबीसीडी टू फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और सोनी लेव दोनों ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है उसके राइट सोनी मैक्स सोनी मैक्स एच के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास इसका मतलब इस फिल्म को आप ए बी सी डी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से ए बी सी डी टू फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे ए बी सी डी टू जिसका फुल फॉर्म है एनी बडी कैन डांस पार्ट टू ये ए बी सी डी पार्ट वन का ऑफिशियल सिक्वल है दो हजार तेरह में पहला पार्ट बना हुआ था लेकिन एक स्टैंड अलोन सिक्वल है स्टैंड अलोन सिक्वल का मतलब कि जो वाइब है जो किरदार है कुछ आपको उसी टाइप के इस फिल्म में देखने को मिलेंगे लेकिन जो कहानी है वो पूरी तरह से एक अलग और डिफरेंट नज़र आएगी पहले पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा ए बी सी डी पार्ट टू डिजनी के द्वारा बनाई गई थी जिसको डिजनी ए बी सी डी टू भी कहा जाता है ये एक 2015 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक डांस ड्रामा फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था रेमो डिसोजा ने फिल्म के जितने भी डांस सिक्वेंस थे उसको भी रेमो डिसोजा के द्वारा ही कोरियोग्राफ करवाया गया था वो एक कोरियोग्राफर डांसर है जो जिन्होंने इस फिल्म में वो दोनों चीजें किए हुई थी डायलॉग्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे लिरिक्स भी मयूरपुरी के ही थे स्क्रीन प्ले रेमो डिसूजा और तुषार हिरनंदानी ने लिखा हुआ था सिद्धार्थ रोई कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सुरेश और वेरनम जो द फिक्सनल क्रू के मेंबर है उनकी जो जर्नी थी लाइफ जर्नी थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ था स्टोरी रेमोट इशू जाने ही क्रिएट किए हुई थी सिद्धार्थ रॉय कपूर ने अपने वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया था यूटी मोशन पिक्चर्स के द्वारा उन्होंने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म का बजट करीबन 50 करोड़ था तो एक अच्छा खासा बजट था जिसका रन टाइम फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का सेंसर करवाया हुआ था यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे चौतीस मिनट की फिल्म जिसको मनन सागर के पास एडिट करवाया सिनेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है इसके अलावा म्यूज़िक में सचिन जिगर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा इस फिल्म के गानों को रिलीज़ करवाया गया था उन्होंने राइट्स खरीदे हुए थे सचिन जिगर ने करीबन दस गानों को कंपोज़ किया हुआ था जिसकी लेंथ थी तिरतालीस मिनट तैंतीस सेकंड और उन गानों को दो हजार में ही क्रिएट किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के गानों के ऊपर के उसमें टोटल दस गाने थे पहला गाना था बेजुबान फिर से उसको लिखा हुआ था मयूरपुरी ने गाया हुआ था विशाल ददलानी अनुष्का मंचला और माधव कृष्णा ने सुन साथिया गाने के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर प्रिया सरैया और दिव्या कुमार थी वहीं पे चुनर करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर अरिजीत सिंह थे क्रेशनडो थे और वोकल्स थे वो दिव्या कुमार ने दिए हुए थे हैप्पी बर्थडे वाला जो गाना था वो डी सोल्जर सोल मयू, मयूरपुरी ने लिखा हुआ था वरुण धवन सचिन जिगर और डी सोल्जर ने गाया हुआ था इफ यू होल्ड माय हैंड करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर बेनी दयाल थे एक्सटेंडेड कल्ट जो वोकल थे अलवेस और अनुष्का मंचन के थे वहीं पे हे गनरिया करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे दिव्या कुमार ने गाया हुआ था बेकिंग वोकल्स थे वो थे राजीव सुंदर सम और निखिल कसर के र, आ, कासरे करके इसके अलावा हैप्पी अवर करके जो गाना था उसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था मिका सिंह और ए पॉजिटिव ढिलो ने गाया हुआ था नाच मेरी जान करके जो गाना था उसको मयूरपुरी रिमी न्यूक ने लिखा हुआ था बैनिदयाल सलम खोलगड़े सिद्धांत बसरूर और रिमी नाइक ने गाया हुआ था टेटू वाला गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सेफाली अली अलवेस ने गाया हुआ था वंदे मातरम जो दसवा आखिरी गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी बादशाह ने लिखे हुए थे दलेर मेहंदी बादशाह तनीसा सांगवी दिव्या कुमार ने उनको गाया हुआ था ये टोटल दस गाने जिसको आप फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो तो ये सभी गाने को क्रिएट किया गया था वहीं पे एक रिप्राइज वर्जन था बेजुबान फिर से उसको भी रिलीज करवाया गया था और वो सदा कपूर नील शर्मा ने गाया हुआ था विथ इंग्लिश रेप जो शर्मा के द्वारा लिखे गए थे हिंदी लिरिक्स थे वो पूरी के पास से बारो किए गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के गानों के साथ कुछ काम किया हुआ था एक अनक्रेडिटेड किया हुआ था जो एंड तो गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभु देवा इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने इस फिल्म में प्ले किया हुआ है विष्णु का किरदार जो वैसे देखा जाए तो पहले पार्ट में भी कुछ वही रोल था विष्णु का ही जो उन्होंने प्ले किया हुआ था इस फिल्म में लीड रोल में प्रभु देवा के साथ आपको देखने को मिलेंगे वरुण धवन जो इस फिल्म में काफ़ी एक डांसर का रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ पे उनके जो किरदार का नाम था वो नाम था सुरेश मुकुंद यानी कि सुरु श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में विनीता शर्मा का रोल प्ले किया है उर्फ विनी का

पवन राव को पवन का रोल दिया गया था दीपक सालवे ने इस फिल्म में दीपक का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको संदीप साबले भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में सांडी का रोल प्ले किया हुआ है सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल कसारे ने निखिल का रोल प्ले किया है प्राची शाह को पद्मश्री दुर्गा देवी का रोल दिया गया था जो सूर की डिस इज मदर थी एलिना कुमार ने इस फिल्म में मयूरी का रोल प्ले किया हुआ है सुमित पेंदम ने सुमित का रोल प्ले किया हुआ है जीनीत रात को मानव मनु कश्यप का, का रोल दिया गया था जो विष्णु का बेटा था पूजा बत्रा ने इस फिल्म में स्पेशल अपीरेंस दिया हुआ है पूजा कोहली के रोल में शशांक खेता ने इस फिल्म में एक फ्रेंडली अपीरेंस दिया हुआ है लोकल जज के तौर पर बेंगलुरु क्वालिफाइज मैच में वहीं पर इस फिल्म में कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू भी देखने को मिलेंगे एक अपीरेंस के तौर पे तो इस तरह से इस फिल्म में प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर फिल्मिंग की शुरुआत करते तो एबीसीडी बी टू को मुंबई बेंगलोर लास वेगस में शूट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को मार्च 2015 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था यंग टैलेंटेड और लेरी बोर्ग के द्वारा इस फिल्म में जो स्पेशल फ्री स्टाइल डांस था एक सॉन्ग में टेटू सॉन्ग में उसके लिए उनको अप्रोच किया हुआ था उस डांस स्टाइल में एक गाना कोर क्राफ्ट करने के लिए इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में करीबन इस फिल्म के साथ अपना एक अच्छा खासा एक डांस परफॉर्मेंस दिखाया हुआ था उनकी और वरुण धवन की केमिस्ट्री भी फिल्म में काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म को यू मोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज़ करवाया हुआ था और डिजनी सब्सिडी रे उनके द्वारा 19 जून 2015 को इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तब इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जिस दिन फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म ने करीबन छह हजार सात सौ वोट हासिल किए जिसमें चौवन पाँच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन बॉक्स ऑफिस पे करीबन चौदह करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सेटरडे के दिन चौदह करोड़ चौवन लाख का संडे के दिन सत्रह करोड़ इक्यान लाख का नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने छियालीस करोड़ पैंतीस लाख का पहला वीकेंड दस किया वहीं पे इस फिल्म ने मंडे के दिन आठ करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ सतहत्तर लाख का वेनसडे के दिन पाँच करोड़ अड़सठ लाख का नेट कलेक्शन किया गुरुवार के दिन इस फिल्म ने इंडिया से चार करोड़ तिरानवे लाख का नेट कलेक्शन किया इसके साथ पहला वीक फिल्म का करीबन इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का निकल के आया उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया उसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करीबन पच्चीस से तीस दिन तक चली हुई थी जहाँ पे सेकेंड वीक के पहले सेकंड फ्राइडे के वक्त इस फिल्म ने तीन करोड़ इकहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के दिन पाँच करोड़ सतहत्तर लाख का सेकंड संडे के दिन फिल्म ने सात करोड़ चालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इकतालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड ट्यूजडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ दो लाख का कलेक्शन किया सेकंड वेनस्डे के दिन फिल्म ने एक करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया सेकंड थर्सडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया वहीं पर थर्ड फ्राइडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ एक लाख का कलेक्शन किया थर्ड सैटरडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ लाख का और थर्ड संडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ तेईस लाख का कलेक्शन किया डे नंबर एटीन के ऊपर फिल्म सिक्सटी नाइन लेख का कलेक्शन किया डे नंबर नाइनटीन के ऊपर फिल्म ने पैंसठ लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर फिल्म ने इकसठ लाख का कलेक्शन किया नंबर ट्वेंटी वन के ऊपर फिल्म ने फिफ्टी एट लेक्स का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी टू के ऊपर इस फिल्म ने बत्तीस लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी थ्री के ऊपर तिरपन लाख का कलेक्शन किया और डे नंबर चौबीस पे इस फिल्म ने सत्तर लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में इकहत्तर लाख अठहत्तर का इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे वीक में पच्चीस करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे वीक में सात करोड़ चालीस लाख का नेट कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पाका भी बेहतरीन वे में इंडिया से 100 करोड़ का बेंचमार्क नेट कलेक्शन में हासिल किया जहां पे इंडिया से इस फिल्म ने 105 करोड़ चौहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे जो ग्रोस कलेक्शन था वो था एक करोड़ छियासी लाख का और इसमें इस फिल्म ने 14 करोड़ तिरसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म एक करोड़ उन पचास उन पचास लाख का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करने में कामयाब रही थी तो इस तरह से इस फिल्म ने 50 करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लिया हुआ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जब ओ पे भी प्रीमियर करवाया गया सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया वहां पे भी काफी बेहतरीन व्यूअर्स फिल्म ने हासिल की हुई थी इस फिल्म के जो ओ टी राइट है वो खरीदे हुए नेटफ्लिक्स और सोनी लियो दोनों ने मिलकर यानी कि टाइप राइट्स कह सकते हैं वैसे प्रॉपर राइट्स पहले नेटफ्लिक्स ही खरीदे हुए थे लेकिन जो सैटेलाइट राइट्स थे वो सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने शायद ओ के राइट्स उनके साथ टाइप करते हुए लिए होंगे तो इस वजह से ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो नेटफ्लिक्स और सोनी लिव दोनों ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये फिल्म देखने को मिलेगी जहाँ पे ए बी सी डी टू नाम के साथ इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इंजॉय कर पाओगे वहीं पे सेटेलाइट चैनल सोनी मैक्स के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में ए बी सी डी टू यानी कि एनी बन एनी बडी कैन डांस पार्ट टू नाम के साथ आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि एबीसीडी टू फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और सोनी लेव दोनों ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट सोनी मैक्स सोनी मैक्स एच के पास है सोनी एंटरटेनमेंट के पास इसका मतलब इस फिल्म को आप ए बी सी डी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से ए बी सी डी टू फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे ए बी सी डी टू जिसका फुल फॉर्म है एनी बड़ी कैन डांस पार्ट टू ये ए बी सी डी पार्ट वन का ऑफिशियल सिक्वल है 2013 में पहला पार्ट बना हुआ था लेकिन ये एक स्टैंड अलोन सिक्वल है स्टैंड अलोन सिक्वल का मतलब कि जो वाइब है जो किरदार है कुछ आपको उसी टाइप के इस फिल्म में देखने को मिलेंगे लेकिन जो कहानी है वो पूरी तरह से एक अलग और डिफरेंट नज़र आएगी पहले पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा ए बी सी डी पार्ट टू डिज्नी के द्वारा बनाई गई थी जिसको डिज्नी से ए बी सी डी टू भी कहा जाता है ये एक 2015 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक डांस ड्रामा फिल्म थी जिसको डिरेक्ट किया हुआ था रेमो डिसोजा ने फिल्म के जितने भी डांस सीक्वेंस थे उसको भी रेमो डिसोजा के द्वारा ही कोरियोग्राफ करवाया गया था वो एक कोरियोग्राफर डांसर है जिन्होंने इस फिल्म में वो दोनों चीज़ें की हुई थी डायलॉग्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे लिरिक्स भी मयूरपुरी के ही थे स्क्रीन प्ले रेमो डिसोजा और तुषार हिरनंदानी ने लिखा हुआ था सिद्धार्थ रोई कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सुरेश और वेनम जो द फिक्शनल क्रू के मेंबर है उनकी जो जर्नी थी लाइफ जर्नी थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ था स्टोरी रेमो डिसोजा ने ही क्रिएट की हुई थी सिद्धार्थ रॉय कपूर ने अपने वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया था यूटी मोशन पिक्चर्स के द्वारा उन्होंने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था फिल्म का बजट करीबन 50 करोड़ था तो एक अच्छा खासा बजट था जिसका रन टाइम फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मिनट का सेंसर करवाया हुआ था यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे चौंतीस मिनट की फिल्म जिसको मनन सागर के पास एडिट करवाया सिनेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है इसके अलावा म्यूज़िक में सचिन जिगर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा इस फिल्म के गानों को रिलीज़ करवाया गया था उन्होंने राइट्स खरीदे हुए थे सचिन जिगर ने करीबन दस गानों को कंपोज किया हुआ था जिसकी लेंथ थी तिरतालीस मिनट तैंतीस सेकंड और उन गानों को दो हज़ार में ही क्रिएट किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के गानों के ऊपर के उसमें टोटल दस गाने थे पहला गाना था बेजुबान फिर से उसको लिखा हुआ था मयूरपुरी ने गाया हुआ था विशाल ददलानी अनुष्का मंचला और माधव कृष्णा ने सुन साथिया गाने के लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए थे सिंगर प्रिया सरैया और दिव्या कुमार थी वहीं पे चुनर करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर अरिजीत सिंह थे क्रेसेंडो थे और वोकल्स थे वो दिव्या कुमार ने दिए हुए थे हैप्पी बर्थडे वाला जो गाना था वो डी सोल्जर और मयूरपुरी ने लिखा हुआ था वरुण धवन सचिन जिगर और डी सोल्जर ने गाया हुआ था इफ़ यू होल्ड माई हैंड करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे सिंगर बेनी दयाल थे एक्सटेंडेड कल्ट जो वोकल्स थे वो शेफ अली अलवेस और अनुष्का मंचा के थे वहीं पे हे गनरिया करके जो गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे दिव्या कुमार ने गाया हुआ था बेकिंग वोकल्स थे वो थे राजीव सम और निखिल कसर के कासरे करके इसके अलावा हैप्पी अवर करके जो गाना था उसको मयूरपुरी ने लिखा हुआ था मिका सिंह और ए पॉजिटिव ढिलो ने गाया हुआ था नाच मेरी जान करके जो गाना था उसको मयूरपुरी रिमी ने लिखा हुआ था बैनी दयाल सलमलिक खोलगड़े सिद्धांत बसरूर और रिमी नाइक ने गाया हुआ था टेटू वाला गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी ने लिखे हुए थे शेफाली अलवेर्स ने गाया हुआ था वंदे मातरम जो दसवा आखिरी गाना था उसके लिरिक्स मयूरपुरी बादशाह ने लिखे हुए थे दलेर मेहंदी बादशाह तनीसा सांगवी दिव्या कुमार ने उसको गाया हुआ था थे टोटल दस गाने जिसको आप फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो तो ये सभी गाने को क्रिएट किया गया था वहीं पे एक रिप्राइज वर्जन था बेजुबान फिर से उसको भी रिलीज करवाया गया था और वो सदा कपूर नील शर्मा ने गाया हुआ था विथ इंग्लिश रेप जो शर्मा के द्वारा लिखे गए थे हिंदी लिरिक्स थे वो पूरी के पास से बोरो किए गए थे तो इस तरह से इस फिल्म के गानों के साथ कुछ काम किया हुआ था एक अनक्रेडिटेड वर्जन वंदे मातरम का भी क्रिएट किया हुआ था जो एंड में आपको सुनने को मिलेगा तो ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रभु देवा इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने इस फिल्म में प्ले किया हुआ है विष्णु का किरदार जो वैसे देखा जाए तो पहले पार्ट में भी कुछ वही रोल था विष्णु का ही जो उन्होंने प्ले किया हुआ था इस फिल्म में लीड रोल में प्रभु देवा के साथ आपको देखने को मिलेंगे वरुण धवन जो इस फिल्म में काफ़ी एक डांसर का रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ पे उनके जो किरदार का नाम था वो नाम था सुरेश मुकुंद यानी कि सुरु श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में विनीता शर्मा का रोल प्ले किया है उर्फ विनी का सुशांत पुजारी आपको वेरनो मोंटेरियो के रोल में दिखाई देंगे लॉरेन गोतिब ने इस फिल्म में ओलिव का रोल प्ले किया है राघव जुएल राघव कॉकरो क्रॉक्स का रोल प्ले करते तो नजर आएंगे धर्मेश लांडे ने धर्मेश एके डी का रोल प्ले किया हुआ है पुनित पाठक विनोद के रोल में दिखाई देंगे टिस्का चोपड़ा ने स्वाति कश्यप जो विष्णु की एक स्वाइप का रोल था वो प्ले किया मुरली शर्मा ने सिट्टी अन्ना का रोल प्ले किया हुआ है पान राव को पवन का रोल दिया गया था दीपक सालवे ने इस फिल्म में दीपक का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में आपको संदीप साबले भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस फिल्म में सांडी का रोल प्ले किया हुआ है सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है निखिल कसारे ने निखिल का रोल प्ले किया हुआ है प्राची शाह को पद्मश्री दुर्गा देवी का रोल दिया गया था जो शुरू की डिसीज मदर थी एलिना कुमार ने इस फिल्म में मयूरी का रोल प्ले किया हुआ है सुमित पेंदम ने सुमित का रोल प्ले किया हुआ है जिनीत रात को मानव मनु कश्यप का, का रोल दिया गया था जो विष्णु का बेटा था पूजा बत्रा ने इस फिल्म में स्पेशल अपीरेंस दिया हुआ है पूजा कोहली के रोल में शशांक खेता ने इस फिल्म में एक फ्रेंडली अपीरेंस दिया हुआ है लोकल जज के तौर पर बेंगलुरु क्वालिफाइज मैच में वहीं पर इस फिल्म में कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू भी देखने को मिलेंगे एक अपीयरेंस के तौर पे तो इस तरह से इस फिल्म में प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर फिल्मिंग की शुरुआत करते तो एबीसीडी बी टू को मुंबई बेंगलोर लास वेगस में शूट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को मार्च 2015 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था यंग टैलेंटेड फ्रेंच ड्यू लेस यानी कि लोरेंट और लेरी बॉर्गेज के द्वारा इस फिल्म में जो स्पेशल फ्री स्टाइल डांस था एक सॉन्ग में टेटू सॉन्ग में उसके लिए उनको अप्रोच किया हुआ था उस डांस स्टाइल में एक गाना कोर क्राफ्ट करने के लिए इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में करीबन इस फिल्म के साथ अपना एक अच्छा खासा एक डांस परफॉर्मेंस दिखाया हुआ था उनकी और वरुण धवन की केमिस्ट्री भी फिल्म में काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म को यू टी मोशन पिक्चर्स के द्वारा रिलीज़ करवाया हुआ था और डिजनी सब्सिडी रे उनके द्वारा 19 जून 2015 को इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया तब इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था जिस दिन फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म ने करीब छह हजार सात सौ वोट हासिल किए जिसमें पांच पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म ने पहले दिन करीबन बॉक्स ऑफिस पे करीबन चौदाह करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चौदह करोड़ चौवन लाख का संडे के दिन सत्रह करोड़ इक्यान लाख का नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने छियालीस करोड़ पैंतीस लाख का पहला वीकेंड दस किया वहीं पे इस फिल्म ने मंडे के दिन आठ करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ सतहत्तर लाख का वेनसडे के दिन पाँच करोड़ अड़सठ लाख का नेट कलेक्शन किया गुरुवार के दिन इस फिल्म ने इंडिया से चार करोड़ तिरानवे लाख का नेट कलेक्शन किया इसके साथ पहला वीक फिल्म का करीबन इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का निकल के आया उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया उसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे करीबन पच्चीस से तीस दिन तक चली हुई थी जहाँ पे सेकंड वीक के पहले फ्राइडे के वक्त इस फिल्म ने तीन करोड़ इकहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया सेकंड सैटरडे के दिन पाँच करोड़ सतहत्तर लाख का सेकंड संडे के दिन फिल्म ने सात करोड़ चालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड मंडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इकतालीस लाख का कलेक्शन किया सेकंड ट्यूजडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ दो लाख का कलेक्शन किया सेकंड वेनस्डे के दिन फिल्म ने एक करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन किया सेकंड थर्सडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया वहीं पे थर्ड फ्राइडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ एक लाख का कलेक्शन किया थर्ड सैटरडे के दिन फिल्म ने एक करोड़ लाख का और थर्ड संडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ तेईस लाख का कलेक्शन किया डे नंबर एटीन के ऊपर फिल्म ने नाइन लेख का कलेक्शन का का किया डे नंबर नाइनटीन के ऊपर फिल्म ने पैंसठ लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी के ऊपर फिल्म ने इकसठ लाख का कलेक्शन किया नंबर ट्वेंटी वन के ऊपर फिल्म ने फिफ्टी एट लेक्स का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी टू के ऊपर इस फिल्म ने बत्तीस लाख का कलेक्शन किया डे नंबर ट्वेंटी थ्री के ऊपर तिरपन लाख का कलेक्शन किया और डे नंबर चौबीस पे इस फिल्म ने सत्तर लाख का कलेक्शन किया पहले वीक में इकहत्तर लाख अठहत्तर का इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख का इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन किया दूसरे वीक में पच्चीस करोड़ एक लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे वीक में सात करोड़ चालीस लाख का नेट कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पाका फिफ्टी बेहतरीन वे में इंडिया से 100 करोड़ का बेंच मार्क नेट कलेक्शन में हासिल किया जहां पे इंडिया से इस फिल्म ने 105 करोड़ चौहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया वहीं पे जो ग्रोस कलेक्शन था वो था 146 करोड़ छियासी लाख का और इसमें इस फिल्म ने 14 करोड़ तिरसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म एक करोड़ उन पचास लाख का कलेक्शन वाइड लेवल के ऊपर करने में कामयाब रही थी तो इस तरह से इस फिल्म ने 50 करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक सर्थ सर्थ करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लिया हुआ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे बाद में इस फिल्म को जब ओ पे भी प्रीमियर करवाया गया सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन व्यूअरशिप फिल्म ने हासिल की हुई थी इस फिल्म के जो ओ टी टी है वो खरीदे हुए नेटफ्लिक्स और सोनी लिव दोनों ने मिलकर यानी कि टाइप राइट्स कह है सकते हैं वैसे प्रॉपर राइट्स पहले नेटफ्लिक्स ने ही खरीदे हुए थे लेकिन जो सैटेलाइट राइट्स थे वो सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने शायद ओ के राइट्स उनके साथ टाइप करते हुए लिए होंगे तो इस वजह से ये फिल्म फिलहाल में अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखनी है तो नेटफ्लिक्स और सोनी लिव दोनों ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये फिल्म देखने को मिलेगी जहाँ पर ए बी नाम के साथ इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन कर पाओगे वहीं पे सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स के ऊपर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में एबीसीडी बी टू यानी कि एनी बैंड कैन डांस पार्ट टू नाम के साथ आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एबीसीडी बी टू फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और सोनी लेव दोनों ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में एंजॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है उसके राइट सोनी मैक्स सोनी मैक्स एच के पास है, सोनी एंटरटेनमेंट के पास इसका मतलब इस फिल्म को आप एबीसीडी टू नाम के साथ बिल्कुल फ्री में सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से ए बी सी डी टू फिल्म का आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो बस गायस ए बी सी डी टू फिल्म के ऊपर जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके दी हुई है फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी दी हुई है साथ ही मैं इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन सभी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत कर ली है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू